कैसे हो आप लोग? आवाज आ रही सबको? जी सर। सब बढ़िया? यस सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है? मेरी वॉइस सबको क्लियर है ना? ऐसा तो नहीं सर कि किसी को वॉइस में दिक्कत हो? तो हम लोग जो कोर्स स्टार्ट करें, उस कोर्स का नाम क्या है? AWS DevOps, ठीक है? DevOps सब लोगों ने सुनते आ रहे हो काफी सालों से। थोड़ा स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा आपस में डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोग क्या जॉब करते हो अभी, किस डोमेन में करते हो, तो उससे एक आइडिया लग जाएगा कि नेक्स्ट लेवल हमें कहाँ पे जाना है, ठीक है? तो ज्यादा लोग तो है नहीं, 15-16 लोग हैं, तो जल्दी जल्दी 2-2 मिनट हम लोग ले लेते हैं और अपने बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। कोई भी आ जाओ, मुझे एक ब्रीफ दे दो कि किस डोमेन में आप अभी करेंटली वर्क कर रहे हो। संजीत बोल रहा हूँ सर। जी संजीत बोले। मैं भी फिलहाल आईटी सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ मेरे क्लाइंट को। आईटी सपोर्ट में आप क्या प्रोवाइड करते हैं अभी? मीन्स हम लोग तो हार्डवेयर के साथ साथ AWS के कुछ EC2 इंस्टेंस वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं क्लाउड के। हाँ अपने क्लाइंट्स को हाँ EC2 उनसे कुछ इंस्टेंस आप रिक्वायरमेंट लोग होते बना हैं। कर देते हैं उन्हें, हाँ सर। ठीक है? नेक्स्ट कौन है? सैयद बात कर रहा जी हूँ। सैयद बोले। मैं टेक्निकल सपोर्ट पे काम कर रहा हूँ अभी। फिलहाल यूजर सपोर्ट पे काम कर रहा हूँ मैं। यूजर के जो इंटरनल इश्यूज होते हैं वो मैं देखता हूँ, और एक सर्वर एडमिन टीम है जो सर्वर देखती है तो उनके साथ भी कभी कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ। संजय बात कर रहा हूँ। जी जी संजय बोले। सर करंटली डेवोप प्रोफाइल में काम कर रहा हूँ वेरिटास वेरिटास में, बट अच्छा, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा ऑन प्रेम है। हाँ वो पूरा ऑन प्रेम है, तो वेरिटास क्लस्टर में आप काम कर रहे हैं? नो, वेरिटास ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर अच्छा, रहा ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो क्या क्या काम करते हैं आप उसमें? हूँ। तो इसमें हमारा जो अप्लायंसेस है, मतलब वेरिटास के जो अप्लायंसेस है उनका पूरा CI/CD हम लोग मैनेज कर रहे राइट, वेरी गुड, वेरी गुड, हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ। सर विष्णु बात कर रहा हूँ। सर अभी मैं ग्लोबल लॉजिक में हूँ, तो जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है जैसे एप्लीकेशन सपोर्ट, प्रोडक्शन सपोर्ट टाइप का है, और AWS में सर हमने जैसे मशीन्स EC2 मशीन्स लॉन्च किए हैं और उनपे मतलब वेबसाइट होस्टेड किए सर। S3 वगैरह भी यूज किया है AWS सर्विस में, तो उनको मॉनिटरिंग वगैरह करने के लिए क्लाउड वॉच सर्विस जो होती है वो यूज करी है। BPC वगैरह भी यूज किया हुआ है। CI/CD का सर आइडिया नहीं है। अच्छा, कोई सर कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट कौन है? सॉरी प्लीज कोई नहीं, कंटिन्यू। कोई नहीं, एक आ जाओ, कोई भी आ जाओ। सर मैं अभी पिछले 2 ईयर से क्लाउड मॉनिटरिंग सपोर्ट पे काम कर रहा हूँ। पहले हम लोग अलर्ट्स वगैरह पे ही काम करते हैं, जैसे अलर्ट्स लगाना या फिर एक बार ही अलर्ट्स पे उस क्रिएट करना, या फिर S3 बकेट्स में लॉक्स को हम लोग मूव कराते हैं थ्रू स्क्रिप्ट। तो छोटी छोटी काम में हम सर हम लोग सपोर्ट में काम करते हैं, मतलब AWS क्लाउड मॉनिटरिंग में। गुड अच्छा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कौन है? मॉर्निंग सर, मैं शैलेश बात कर रहा हूँ। मैं फिनकॉर्प ऑर्गेनाइजेशन में मेरी तो बैंक को सपोर्ट है हमारा, बट मोस्टली बैंक हमारे ऑन प्रेम इन्वायरमेंट में है, तो अच्छा वहाँ पे हम ऑन प्रेम सर्वर रख जो भी इनका कस्टमाइज चीजें वो हम डिप्लॉय करते हैं और सपोर्ट देते हैं इसमें। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हेलो सर, हर्षल। अर्जल बोले। सर मैं एटॉस के लिए एटॉस में काम कर रहा हूँ, डू टेलीकॉम के लिए, दुबई टेलीकॉम के लिए। वहाँ जितने भी एप्लीकेशंस हैं मोस्टली वो CI/CD में मतलब काम करते हैं हम लोग। अच्छा उसमें गेट, जेनकिन्स, नेक्सस एंड UCD के थ्रू काम करते हैं, तो वो ऑन प्रेम है सारा सर्वर्स, तो अभी क्लाउड में जाने के लिए कर चल, रहे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सर अभिषेक बोल रहा हूँ। जी अभिषेक बोले। पेनिकुलम सोल्यूशन में भी काम करता हूँ सर। इसमें जनरली हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं थ्रू आपको क्लाउड वॉच, ग्रेफा, नारेको एंड डेवऑप्स के भी कुछ काम है, जैसे स्क्रिप्टिंग वगैरह, क्रोन लगाना, स्ट्रीम में डेटा मूव कराना, डेटाबेस के थोड़े बहुत क्वेरी देखते हैं।
बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कौन है? हाय दिस इज नरेश, जी नरेश। आई एम वर्किंग इन एमडॉक्स एज ए डेवलपमेंट मैनेजर. आई एम वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट विद द सीआईसीडी इज इंप्लीमेंटेड दी एंड वी आर वर्किंग ऑन हाइब्रिड हाइब्रिड क्लाउड. बेसिकली अच्छा फ्यू ऑफ द मशीन्स आर ऑन हाइब्रिड एंड देन लेट्स से स्टिक्स आर ऑन हाइब्रिड, प्रोडक्शन इंस्टेंस आर ऑन हाइब्रिड एंड डिफरेंट लाइक द टोपोलॉजी इज दैट डिफरेंट क्लस्टर डिफरेंट पीपीसी एंड कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेड सीआईसीडी वर्किंग ऑन लाइक दी अंडरलाइन टेक्नोलॉजीज आर जेनकिन डेवऑप्स सॉरी डॉकर कुबरनेटिस एंड इलास्टिक सर्च. आई थिंक दैट्स इट. सो आई एम मैनेजिंग द प्रोजेक्ट एंड आई एम लुकिंग हियर यू नो टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल बेसिकली टर्मिनोलॉजीज आर. सो वेरी न्यू टू द ईडब्ल्यूएस. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबका हो गया? हेलो. हाँ जी बोले। हाँ विवेक। मेरा नाम विवेक जी है. विवेक। मैं करंटली प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग में काम कर रहा हूँ और हमारे यहाँ डेवऑप्स पहले से नहीं था, अभी लास्ट 2 ईयर्स से डेवऑप्स इम्प्लीमेंट हुआ है. सो काफ़ी नया है एंड सीआईसीडी के लिए हम गिटलैब यूज़ करते हैं. हमारा मोस्टली काम गिटलैब पे ही होता है और अपार्ट फ्रॉम गिटलैब नए नए टूल्स को चेक करना, पीओसी करना और टू इम्प्लीमेंट करना हम प्रोसेस में ही है. रिलेटेड टू क्लाउड ऑप्स हमारे पास मीन्स क्लाउड के लिए हमारे पास क्लाउड ऑप्स टीम्स है. सो मोस्टली क्लाउड रिसोर्सेज वही देखते हैं तो हमें ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है AWS का, बट वो लर्न कर रहे हैं. चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई रह गया है? सारे हो गए ना? चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेवॉप्स, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डेवॉप्स क्या होता है। देखो डेवॉप्स को अगर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डेव एंड ऑप्स। ठीक है, डेवॉप्स को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डेव एंड ऑप्स। एक मिनट सर आपका आइसक्रीम म्यूजिकल नहीं है? जी अभी शेयर कर रहा हूँ। जी विष्णु बोले, आपने हैंड रेस किया। सर, एक्चुअली सर कैन वी रिकॉर्ड दिस सेशन? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, सेशन की टेंशन ना ले। ओके ओके थैंक यू. तो डेवॉप्स को लेकर ना लोग बहुत सारे अपने अपने पॉइंट रखते हैं। आप मार्केट में जाओ, आप कंपनी में जाओ, आप इंडस्ट्री में जाओ, इंडस्ट्री में आपके बॉस के पॉइंट अलग होंगे, आपके कलीग्स के पॉइंट अलग होंगे। बहुत सारे लोगों के पॉइंट्स अलग अलग होते हैं डेवॉप्स को लेकर। कोई कहता है कि डेवॉप्स वो डेवॉप्स प्रोफाइल उसको मिलती है जिसको डेवलपमेंट भी आती है, ऑपरेशंस भी आती है। डेवॉप्स में आपको डेवलपमेंट भी करना है, आपको कोडिंग भी आना चाहिए। बहुत सारे पॉइंट्स आपने सुने होंगे, राइट? सिंपल सीधी लाइन में अगर मैं आपसे बोलूं, जो आप पूरी लाइफ याद रखो कि हाँ डेवॉप्स ये होता है, सिंपल सा फंडा है, जो काम को मैनुअल कर रहे हो आप उसी को ऑटोमेट कर दो, दैट इज द मीनिंग ऑफ डेवॉप्स। बात खत्म, यही है डेवॉप्स। सिंपल सी बात है, मैं बोलूं। फिर वो काम कुछ भी क्यों ना हो, जिस काम को मैनुअल किया जा रहा था वो काम को ऑटोमेट आपने कर दिया, आपके अनअवेलेबल पे वो काम होने लग गया, वो डेवॉप्स हो गया। जी बोले, कितने क्वेश्चन पूछे थे? किसी का कोई डाउट है? सर जी बोले विष्णु, क्या हुआ? नो सर नो सर ठीक है, तो सिंपल सीधी लाइन में आप लोग हमेशा ये याद रखना है, डेवॉप्स हम लोग किसको कह रहे हैं, जो काम मैनुअल होता है उस काम को ऑटोमेट आपने कर दिया, दैट इज अ डेवॉप्स। ठीक है, देखो थोड़ा सा और ब्रीफ में अंदर जाते हैं इसको समझने के लिए। हर कंपनी का जो अपना काम होता है वो क्या होता है, अगर हम आईटी बेस्ड कंपनी की बात करें, कंपनी क्या करती है, सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करती है। सॉफ्टवेयर्स के डेवलपमेंट के लिए पहले कैसे सॉफ्टवेयर्स का डेवलपमेंट किया जाता था, फिर बाद में कैसे किया जाने लगा, फिर
AWS में कैसे किया जाने लगा, ये हम लोग हिरार्की में समझते हैं, राइट। तो कंपनी को कोई भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, डेवलपर्स चाहिए। डेवलपर्स क्या करते हैं, अपना लैपटॉप में कोडिंग वगैरह करते हैं, राइट। मान लो ये डेवलपर्स के लैपटॉप हैं और यहाँ पर इन्होंने कोडिंग वगैरह किया, कोडिंग के लिए कोई भी लैंग्वेज चूज कर लेते हैं, जावा हो, पाइथन हो, नोड जी एस हो, PHP हो, कुछ भी हो, उन्होंने उसमें कोडिंग किया। कोडिंग करने के बाद अब उसको कोड को क्या करना है, कोड उन्होंने लिखा, अब कोड को कंपाइल करना है, राइट। कोड को बिल्ड करना है, क्योंकि तो आपने देखा होगा कि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हम लोग अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हम लोग अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या चाहिए, डॉट exe फॉर्मेट चाहिए। क्या चाहिए, डॉट exe फॉर्मेट चाहिए। क्या चाहिए, अगर लिनक्स पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो RPM चाहिए। क्या चाहिए, समझ आ रही मेरी बात यहां पर, ये क्या ठीक है चाहिए, सर जी। डॉट exe फॉर्मेट चाहिए। क्या चाहिए, डॉट RPM फॉर्मेट चाहिए, ठीक है। ऐसी मैक के लिए अलग फॉर्मेट है, आपके एंड्रॉयड OS के लिए अलग फॉर्मेट है, इस तरीके से चाहिए होती। तो डेवलपर्स ने कोड अपना राइट कर लिया, राइट करने के बाद अगर उसे सॉफ्टवेयर बनाकर रेडी करना है, और मान लो वो सॉफ्टवेयर किसी भी बेस का वो बना रहा है और उसे अगर विंडोज में इंस्टॉल करना है, तो उसे डॉट exe फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट करके देना पड़ेगा, जिसको हम लोग आर्टिफैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्टिफैक्ट, टेक्निकल लैंग्वेज में आर्टिफैक्ट हम लोग बोलते हैं, तब जाकर ये चीज इंस्टॉल हो पाएगी। तो ये आर्टिफैक्ट बनाने के लिए आपको एक ऐसा सर्वर लगाना पड़ता है जहां पर बिल्ड करना पड़ता है हमें अपने सोर्स कोड को, जहां में अपने सोर्स कोड को हमें क्या करना पड़ता है, बिल्ड करना पड़ता है। और जब ये बिल्ड हो जाता है, मान लो यहां पर आप कंपनी क्या करती है, बिल्ड सर्वर लगा लेती है। बिल्ड सर्वर अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ भी बहुत बड़ा वो नहीं है, आप एक नॉर्मल सा सर्वर रख लें, राइट। आपका कोड अगर जावा बेस है तो आप मावेन इंस्टॉल कर लेते हो, और मावेन में कुछ कमांड्स होती है, उन कमांडों के थ्रू ही आप क्या करते हो, उनको बिल्ड करते हो। जब आप उनको बिल्ड करते हो तब आपके पास आर्टिफैक्ट निकल के आता है, लाइक डॉट exe निकल के आएगा, डॉट RPM निकल के आएगा। और उसके बाद फिर आपके जो प्रोडक्शन सर्वर्स होते थे, राइट, प्रोडक्शन बोल लो या प्री प्रोडक्शन बोल लो, प्री प्रोडक्शन का मतलब होगा, प्रोडक्शन का मतलब हुआ जहां से आपके कस्टमर डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं उस सॉफ्टवेयर के, वो प्रोडक्शन हो गया। तो कंपनी डायरेक्ट प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट ना करके आ कंपनी क्या करती है, प्री प्रोडक्शन से पहले डिप्लॉयमेंट करके उसको प्रॉपर टेस्ट वगैरह कर लेती है, जब उसको लगता है कि परफेक्ट है तब वो प्रोडक्शन के साइड जाते। तो मान लो ये फॉर एग्जांपल एक सर्वर है जो आपका प्रोडक्शन है, तो ये जो काम है, ये काम आप या तो मैनुअल कर लो या ये काम या तो आप ऑटोमेट कर लो। अगर आप ये काम मैनुअल करते हो तो क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती थी कंपनी को, और ऑटोमेट करते हो तो क्या प्रॉब्लम फेस करने को कंपनी को मिलती। ऑटोमेट में तो हालांकि प्रॉब्लम्स नहीं है, बेनिफिट्स ही हैं। तो जब कंपनी ये काम मैनुअल करती थी तो होता क्या था, डेवलपर्स, एक डेवलपर से, यहाँ पे तो नंबर ऑफ डेवलपर्स भी मैं ला सकता हूँ सिनेरियो में, बट अभी के लिए एक डेवलपर से, यहाँ पर कंपनी का एक डेवलपर्स कोडिंग किया, कोडिंग करने के बाद उन्होंने अपना खुद का एक सर्वर्स लगाया, उसमें मावेंस वगैरह इंस्टॉल किया, उस पर उन्होंने उसको बिल्ड किया, बिल्ड करके आर्टिफैक्ट निकाला, आर्टिफैक्ट निकालने के बाद अपने सर्वर पे लेके गए, सर्वर पे ले जाकर उन्होंने मैनुअल उस पर डिप्लॉयमेंट किया, मैनुअल डिप्लॉयमेंट करने के बाद देन उसके बाद उनके कस्टमर को चीज़ें एक्सेस हुई, और फर्दर इसी तरीके से इनकी साइकिल चलती रहती है। जब भी कोई नए अपग्रेडेशंस लेके आने हैं तो वापस कोडिंग होती है,
वापस कोडिंग होने के बाद वापस उसे बिल्ड किया जाता है, आर्टिफैक्ट वापस निकाला जाता है और वापस उसे फिर से मैनुअली डिप्लॉयमेंट किया जाता है। यहां पर आप देखो तो एक एक सिंगल सिंगल चीजें हैं। अगर एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है तो सिंगल डेवलपर्स हैंडल नहीं करता है, वहां पे फिर कंपनी के पास नंबर ऑफ डेवलपर्स हो जाते हैं, लाइक 100 डेवलपर्स भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं। और जब 100 डेवलपर्स एक ही सॉफ्टवेयर के लिए कोडिंग करते हैं तो फिर 100 डेवलपर्स पे डिवाइडिंग हो जाती है कि आप इतना पार्ट्स लिखोगे, आप इतना पार्ट्स की कोडिंग करोगे, आप इतने पार्ट्स की कोडिंग करोगे, आप इतने पार्ट्स की कोडिंग करोगे, बट वो सारे पार्ट्स एक ही सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोडिंग की जा रही है। तो फिर सबके सॉफ्टवेयर को प्रॉपर तरीके से कलेक्शन करना, प्रॉपर तरीके से उसको वेल मेंटेन करना, आगे पीछे ना हो जाए लाइन, वो सब हैंडल करना, तो उसके लिए फिर कंपनी क्या करती थी, एक सेंट्रल रेपोजिटरी की नीड हो जाती थी, सेंट्रल रेपोजिटरी। क्योंकि अगर आप सारे डेवलपर्स अपने अलग अलग पार्ट्स पे कोड लिख रहे हैं, फिर उन कोड को कलेक्ट करना, पहले अगर ये चीजें मैनुअल हुआ करती थी तो कलेक्ट करते थे, फिर कोड को चेक किया करते थे, सिंटेक्स चेक किया करते थे, कोड की टेस्टिंग किया करते थे, और ये सारे प्रोसेस जब कंपनी मैनुअल करती थी तो बहुत डिफिकल्ट होता था। इतना डिफिकल्ट हो जाता था कि कंपनी को सॉफ्टवेयर का एक वर्जन रिलीज करने के लिए 6 मंथ तक का टाइम लग जाता था, 6 महीने, साल भर भी लग जाते थे एक वर्जन को रिलीज करने के लिए। क्योंकि 100 डेवलपर्स हैं, सारे डेवलपर्स दिन भर कोडिंग करते हैं, उन कोड को प्रॉपर तरीके से कलेक्ट करना, ठीक है, उनके सिंटेक्स को चेक करना, सब मैनुअल हो रहा है, ऑटोमेट कुछ भी नहीं है। फिर उनको ले जाकर अपने बिल्ड सर्वर पे, मावेन पे, मावेन के थ्रू उनको बिल्ड करना, आर्टिफैक्ट निकालना, पता लगता है कि बिल्डिंग के टाइम पर इशू क्रिएट आ गया। इशू क्या आ गया कि आपका कोड फट गया, राइट, बिल्डिंग में आपका कोड फट गया, लाइक कोई सिंटेक्स प्रॉपर नहीं है, एक्स वाई जेड नहीं है, वापस वो डेवलपर्स के पास जाना है, फिर वो डेवलपर्स वापस उसको करेक्ट करेंगे, करेक्ट करके वापस बिल्डिंग के लिए प्रोसेस जाएगा, फिर कोड फट गया, तो ये प्रोसेस चलता रहता था। पता लगा कि बिल्ड सक्सेसफुल हो गया, आर्टिफैक्ट भी निकल के आ गया, आर्टिफैक्ट निकलने के बाद उसको किसी स्टेजिंग एनवायरनमेंट में, राइट, प्रोडक्शन पे लेके जाने से पहले स्टेजिंग एनवायरनमेंट में डिप्लॉयमेंट करके उसकी टेस्टिंग की जा रही है, राइट, कोड को रिव्यू किया जा रहा है, तो पता लगता है कि इसमें तो बहुत सारे बग्स हैं, इसी ये तो प्रॉपर वेब पेज ही ओपन करके नहीं दे पा रहा, इस पे तो डेटाबेस इंटीग्रेशन का कंसेप्ट ऐड नहीं किया गया, इस पे तो यूजर नेम पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बहुत सारे बग्स हैं, ये बहुत ज्यादा सीपी यूटिलाइज कर रहा है अपनी डिमांड के हिसाब से, बहुत ज्यादा रैम यूटिलाइज कर रहा है, अननेसेसरी हार्ड ड्राइव यूटिलाइज कर रहा है, तो बहुत सारे बग्स आपको नजर आ रहे हैं। तो वापस आप क्या करोगे, रिवर्ट बैक करोगे डेवलपर्स को, और वो डेवलपर्स फिर उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, वापस काम करते थे, वापस वो साइकिल फिर बिल्ड करते थे, बिल्ड के बाद फिर दिक्कत आई तो फिर वैसे चलता था, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना कंपनी को लग जाता था एक वर्जन को रिलीज करने के लिए। समझ आ रही है मेरी बात यहां पर, ये जो जितनी लाइन मैंने बोली यस सर, यस सबको क्लियर है ना? यस सर, यस। तो इन्हीं काम को क्या किया गया, ऑटोमेट किया गया। तो कहा गया कि सारे डेवलपर्स, अगर हमारे पास 100 डेवलपर्स हैं, 200 डेवलपर्स हैं, यस वो सर, सारे लोग जब कोड लिखते हैं तो हमने क्या बोला, आप कोड में जो भी चेंजेस करते हो, कोई भी डेवलपर्स कुछ भी चेंजेस करता है, अपना एक टैग लगा के, और एक हम आपको रेपोजिटरी सर्वर से, रेपोजिटरी कुछ भी नहीं होता सर, एक ऐसा सर्वर लगा दो जिसमें एक कॉमन, एक सेंट्रलाइज फोल्डर बना दो, और वो फोल्डर सारे डेवलपर्स को आप एक्सेस दे दो, ठीक है, और उनको बोलो कि अपने कोड वहां पे आप ट्रांसफर कर दो, जो भी आप कोड में चेंजेस करते हो। तो एक फोल्डर सर्वर लगा दिया गया, उस पर फोल्डर बना दिया गया, ठीक है, और डेवलपर को बोला कि कोड में जो भी चेंजेस करते हो आप यहाँ पर स्टोर कर दिया कर। धीरे धीरे अपग्रेशन होना स्टार्ट हुआ, तो फोल्डर के साथ बहुत सारे बग्स होते थे, लाइक उस फोल्डर्स में कमिट नहीं है, क्योंकि नॉर्मल फोल्डर में क्या ही होता है, चेंजेस के रिकॉर्ड नहीं है, मर्जिंग के फीचर्स नहीं है। तो मार्केट में देखो गिट आ गया, राइट, गिट और गिटहब आ गया, गिटहब रेपोजिटरी, जो सेंट्रलाइज रेपोजिटरी है, जो आपने देखा कि ऑनलाइन जाके आपको मिल जाती है, तो आप गिटहब में जाके आप अकाउंट बनाते हो, गिटहब पे जाके अकाउंट बनाने के बाद आप वहां पे एक फोल्डर बनाते हो जिसको हम लोग रेपोजिटरी बोलते थे, वो रेपोजिटरी प्राइवेट भी बना सकते हो, पब्लिक भी बना सकते हो। पब्लिक और प्राइवेट का मतलब क्या होता है, पब्लिक आपने बनाया तो जिस जिस लोगों ने, जिन जिन लोगों ने गिटहब में अपने अकाउंट्स बनाए उन सबको फोल्डर दिखेगा, राइट, उस फोल्डर पे रखा हुआ कोड देखेगा। प्राइवेट रेपोजिटरी का मतलब क्या हो गया कि उस
फोल्डर को कोई और नहीं देख सकता, हम जिसको ऑथेंटिकेट करेंगे वही देख सकता है। तो कंपनी ने क्या करती है, गिटहब पे जाके अकाउंट बनाती है, वहां पे सेंट्रल रेपोजिटरी बनाते हैं, प्राइवेट रेपोजिटरी बनाते हैं, और वो प्राइवेट रेपोजिटरी अपने सारे इंटायर पूरे डेवलपर्स को एक्सेस दे देते हैं, और उनको बोलते हैं कि जो भी कोड में आप चेंजेस करते हो राइट, उसको आप एक हैशटैग देके आप वहां पर पुश कर दो। समझ आ गई मेरी बात यहां पर ही? तो कंपनी ने क्या किया, गिटहब यूज किया। बट गिटहब के साथ प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों AWS के साइड आ रहे हैं, हम क्यों AWS डेवऑप्स के साइड मूव कर रहे हैं? गिटहब के साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती थी कि आपने अगर गिटहब में रेपोजिटरी क्रिएट किया है, प्राइवेट रेपोजिटरी क्रिएट किया है, तो आपको अपने डेवलपर्स को ऑथेंटिकेट कराने के लिए राइट, आपको कोई ऑथेंटिकेशन सर्वर इंटीग्रेट करना पड़ता था यूजर नेम पासवर्ड जनरेट करने के लिए, या गिटहब में आपको जाके अपने अकाउंट्स वगैरह हर एक यूजर्स के लिए क्रिएट करना पड़ता था। जैसे कि मान लो मेरे सारे जो डेवलपर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, उनके आईडी पासवर्ड एक्टिव डायरेक्टरी में बने हुए हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि उन्हीं के थ्रू वो ऑथेंटिकेट करें, तो गिटहब में जाके मैं सारे यूजर को इंटीग्रेट कराना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है वो चीज़ें, तो गिटहब में जाके आप एक एक अकाउंट्स क्रिएट करो, एक एक यूजर्स का, उनको ऑथेंटिकेट करो, वो आईडी पासवर्ड उनको दो, और बोलो उनके थ्रू आप सारा कोड जब भी यहाँ पे पुश करने आओगे, शेयर करने आओगे, तो आप ये आईडी पासवर्ड यूज़ करना, मतलब गिटहब में जाके आपको एक अकाउंट मैनेजमेंट भी लेना पड़ेगा। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पर? अब कंपनी कहती है कि हमारा पूरा डाटा सेंटर AWS पे है, हमारा पूरा डेटा सेंटर AWS में है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर AWS पे, हमारा VPC AWS पे है, हमारा लोड बैलेंसर AWS पे, हमारा ऑटो स्केलिंग डे सब कुछ AWS पे है, तो क्यों ना ये जो रेपोजिटरी की जो सर्विस है, जो रेपोजिटरी है, ये भी क्यों ना हम AWS की ही ले लें। बात आती है क्यों ना हम ये भी AWS की ले लें। तो AWS कहता है कि आपको कल तक अगर रेपोजिटरी सर्विस के लिए आपको गिटहब के पास जाना पड़ता था, अब आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको खुद कोड कमिट नाम की सर्विस प्रोवाइड करता हूं, जो जस्ट लाइक गिटहब की तरह ही पूरा वर्क करता है। समझ आई मेरी बात यहां पर, ये लाइन क्या बोला मैंने, क्लियर है? तो जब एक कंपनी का पूरा डाटा सेंटर, पूरा एक एक चीज AWS पे लगा हुआ है, तो मैं रेपोजिटरी सर्विस के लिए क्यों गिटहब के पास जाऊं, मैं AWS के पास ही आके कोड कमिट लूंगा। समझ आ रही मेरी बात यहां पर? जी क्वेश्चन था किसी का, बोलें। माई क्वेश्चन इज इन AWS ऑल्सो वी नीड टू डू दी अकाउंट मैनेजमेंट राइट सो द बेनिफिट ऑफ कोड कमिट ओवर गिटलैब गिटहब इज वॉट ओवर गिट लैब और गिटहब मतलब लाइक वी हैव टू डू द यूजर मैनेजमेंट इवन ऑन AWS राइट सो बिकॉज नॉर्मली ऑल डेवलपर्स इज नॉट हैविंग द एक्सेस ऑफ AWS मशीन प्रोडक्शन सर्वर्स और मे बी नॉन प्रोड सर्वर्स द मैनेजमेंट इज डन बाय समवन एल्स दे हैव द एक्सेस बट नॉट द डेवलपर्स सो इफ आई पुट द कोड कमिट ऑन AWS डू आई नॉट नीड टू क्रिएट अ यूजर मैनेजमेंट ओवर देयर हु कैन कमिट द कोड ऑन AWS ऑल्सो समझा नहीं आपकी बात को, बोलना क्या चाहते हो, कमिट क्या, कमिट कैसे क्या? जब गिटहब पे भी हमें यूजर बनाने पड़ेंगे राइट नहीं मतलब क्यों नहीं आप बने, नहीं नहीं नहीं, नहीं बने, जरूरत नहीं बनाने की ना, आप AWS पे आ रहे हो तो AWS के IAM यूजर बनाइए। हाँ मतलब मेरा पॉइंट वही है कि IAM मतलब यूजर मैनेजमेंट गिट AWS पे भी करनी पड़ेगी यही मेरा क्वेश्चन है कि वहां पे भी करनी पड़ेगी गिटहब में भी करनी पड़ेगी दोनों जगह करनी नहीं पड़ेगी GitHub पे क्यों, AWS पे आप यूजर मैनेजमेंट, फिर से रिपीट करना क्वेश्चन आपका क्या है? सर जैसे मैं बताता हूँ हमारे है ना जैसे वी आर यूजिंग व्हाट टू से
गिट यूज करते हैं ना, गिट इज यूजिंग सिंगल साइन ऑन फॉर द इंटरनल कंपनी, ठीक है, इंटरनल रेपो में. देन देयर इज अ कस्टमर रेपो ऑल्सो, वहां पे एक्सेस कस्टमर मैनेज करता है वो, दैट इज गिट लैब. उन्होंने गिट लैब पे मैनेज किया हुआ है. सो उस गिट लैब से दे आर क्रिएटिंग दी सर्वर्स विच आर फॉर प्रोडक्शन. तो वो एक अलग ही क्लस्टरिंग में, या फिर आई डोंट नो कि कैसा उनका आर्किटेक्चर है, टोपोलॉजी क्या है, बट वो अलग ही तरीके से प्रोडक्शन सर्वर पे कोड कैसे जाएगा वो वहां से मैनेज होता है, उसकी यूजर मैनेजमेंट अलग है. तो मेरा पॉइंट यही था कि हम AWS पे भी अगर हम कोड कमिट करवाते हैं डेवलपर से, स्टिल आई हैव टू क्रिएट यूजर मैन इस टाइप टू डू द यूजर मैनेजमेंट ऑन AWS आल्सो फॉर ईच डेवलपर IAM के थ्रू. वही मतलब वही मैं पूछ रहा हूँ कि हाँ, वो, IAM के थ्रू राइट बना के देना पड़ेगा उनको, तब डेवलपर्स करेगा। और सब मुझे एक और क्वेश्चन है कि IAM जो है वो सिंगल साइन ऑन ऑफ इंटरनल कंपनी से है। इंटीग्रेट हो जाता है क्या? हाँ, नहीं. हो जाता है ओके ठीक है, आप कंटिन्यू करिए, मतलब सारे फीचर्स हैं। ओके. ठीक है, तो सर एक क्वेश्चन और राइट है बोले। टॉप ऑफ दिस. जी बोले। सो जैसे हम अपनी कंपनी में AD यूज करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी राइट. इंटीग्रेट कर सकते हैं तो AWS के साथ। सो AWS के साथ इंटीग्रेट करते हैं. हाँ, ओके कर ठीक सकते हैं। है, ओके थैंक यू. तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही निकल के आया कि हमारा जब सब कुछ AWS पे है, तो हालांकि आप AWS पे अपना CI/CD पाइपलाइन अगर आप जनरेट करते हैं, तो वहां पर ऑप्शंस आपके सामने नंबर ऑफ आते हैं कि आपका रेपोजिटरी सर्वर गिटहब पे है, तो आप गिटहब को भी इंटीग्रेट कर लें। वहां पे प्लगइन्स हैं, गिटहब इंटीग्रेट हो जाता है। लेकिन कंपनी का कहना यह था कि सब कुछ AWS में है, तो AWS ही ये चीजें क्यों नहीं दे देती। तो AWS वालों ने अपना लॉन्च कर दिया कोड कमिट, यहां पर आपको सारा कुछ मिलता है। ठीक है, तो रेपोजिटरी की जो प्रॉब्लम थी वो यहां पर अवेलेबल हो गई। ऐसे आप माइक्रोसॉफ्ट एजोर पे जाते हैं, तो उनके साथ भी वही चैलेंजेस थी। ठीक है, तो उन्होंने भी अपना दे दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट, इतना हो गया। अब कंपनी के साथ क्या है कि ठीक है, आपने रेपोजिटरी सर्वर का सलूशन दे दिया, लेकिन आपने बिल्ड का सलूशन दिया क्या? पहले कंपनी क्या करती थी, अपना बिल्ड सर्वर खुद लगाती थी, मतलब खुद मशीन लाते थे, राइट, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम डालते थे, उसके ऊपर अपने बिल्ड वाले एप्लीकेशन डालते थे, उस कमांड के थ्रू वो अपने बिल्डिंग करते थे, कंपाइलिंग करते थे, जो आर्टिफैक्ट निकल के आता था। तो क्या AWS ये देती है? क्योंकि अगर आप अपने खुद के बिल्ड सर्वर लगा रहे हो, तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या होती थी पता है? कि मान लो ये सर्वर हमने लगाया, अब इसमें जब बिल्ड का प्रोसेस चल रहा है, तो ये ना रिसोर्सेस यूटिलाइज करता था, रैम, CPU। अगर एक बिल्ड चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और नंबर ऑफ बिल्ड चल रहे हैं, तो इसका मतलब या तो आप एक सर्वर पे नंबर ऑफ बिल्ड एट द मोमेंट ऑफ टाइम करते हो, तो इसके ऊपर लोड बढ़ेगा, तो इसकी भी क्लस्टरिंग करनी पड़ जाती थी, इसकी भी हाई अवेलेबिलिटी। पता लगता है कि कोड बिल्ड होने के टाइम फट गया। क्यों फटा? सर्वर स्ट्रांग नहीं था, उसकी हार्डवेयर कॉन्फिगरेशन स्ट्रांग नहीं थी। तो बिल्ड करने के लिए जो टेक्निकल स्टेप्स फॉलो करने पड़ते थे, लाइक जो कमांड्स हो गए, जो स्क्रिप्ट्स हो गए, उसकी नॉलेज तो ठीक है, उसके अंदर उस सर्वर की भी ध्यान में लोग कंपनी को रखना पड़ता था कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रॉपर होना चाहिए। तो कंपनी की एक टेंशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लेके लगी रहती थी। ठीक है, AWS कहता है कि अब इतना टेंशनबाजी आपको लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कोड बिल्ड प्रोवाइड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? कोड बिल्ड नाम की एक सर्विस है, जैसे EC2 सर्विस है, लोड बैलेंसर सर्विस, कोड बिल्ड। तो कहता आप आइए, कोड बिल्ड नाम की सर्विस पे आइए, फ्यू स्टेप फॉलो करिए, आपको इस तरीके से सर्वर रेडी करके मैं बैकएंड में दे दूंगा, रहेगा इंस्टेंस, उस पे रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद कोड, जैसे आप ऑन प्रमाइसेस में या फिर कहीं पे भी आप पहले जिस तरीके से काम कर रहे थे बिल्डिंग करने के लिए, तो आप सर्वर लगाते थे, सर्वर लगाने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम डालते थे, ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के बाद उस पर आप अगर जावा बेस एप्लीकेशन है तो जावा बेस बिल्ड सपोर्टेड टूल डालते थे,
पाइथन है तो पाइथन बेस डालते थे, नोट जीएस है तो नोट जीएस बेस डालते थे, प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन करते थे। यहाँ पे कहते हैं आप इतनी टेंशन नहीं है, आप फ्यू क्लिक करिए, आप बता दीजिए आपका एप्लीकेशन किस बेस पे, मैं बैकएंड का इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप बनाकर तैयार कर दूंगा, और आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि स्लो वर्क कर रहा है या डाउन टाइम है, कुछ भी नहीं, सब कुछ मैं मैनेज करूंगा। तो AWS ने अपना कोड बिल्ड आपको लॉन्च करके दे दिया, समझ आई ये बात, जी सर, क्लियर है सबको? यस। एक क्वेश्चन था सर, जी बोल। मतलब जो अभी बात हो रही थी ना, कि मतलब ये क्लियर बाद में कर दीजिएगा इसके बाद। जैसे कोड कमिट AWS ने लाया तो ठीक है, आप बाहर से GitHub पे जाके उसको ना यूज करो, हम खुद देते रहे ठीक है। वो AWS जैसे दुनिया में सब कुछ है, बट AWS भी दे रहा है, वो तो समझ में आ रहा है। बट ये कि AWS के अंदर ये हो जाता है ना, जैसे वो कुछ एक्स्ट्रा भी देता है, मतलब कि जैसे कि अगर आप हमसे लेते हैं तो आपको ये चीज नहीं करनी पड़ेगी जो कि आप GitHub पे कर रहे थे, वो चीज नहीं करनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक हम मैनेज कर लेते हैं। तो वो थोड़ा सा बता दीजिए कि कोड कमेंट में क्या एक्स्ट्रा हमें मिल रहा है जो कि GitHub में हमें प्रॉब्लम्स आती थी, मतलब ये। जी आ रहा हूँ उस पे आ रहा हाँ, वही मतलब वो चीज। ठीक हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? ठीक जी, है। यस सर। उसके बाद देखो क्या होता था, आपका आर्टिफैक्ट निकल के आ गया, अब आपको अपने जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपको डिप्लॉय करने हैं, चाहे प्रोडक्शन में डिप्लॉय करने हैं चाहे प्री प्रोडक्शन में डिप्लॉय करने हैं, आपको उन्हें क्या करना है, डिप्लॉयमेंट करना है। ठीक है, अब मान लो आपके पास 1000 ऑफ सर्वर्स हैं, क्या है 1000 ऑफ सर्वर है, ठीक है, तो 1000 ऑफ सर्वर पे आप इसको डिप्लॉय करना चाहते हो जो सॉफ्टवेयर आपका निकल के आए। आप डिप्लॉयमेंट कैसे करते थे कब पहले? तो डिप्लॉयमेंट करने के लिए या तो आप सेल स्क्रिप्टिंग का इस्तेमाल करते थे, करोगे, या कंपनी क्या करती थी, एनसेबल का इस्तेमाल करती थी। ठीक है, एनसेबल का बहुत आप लोगों ने सुना होगा, एनसेबल का नाम, सेफ का नाम, पपेट का नाम, सुना इन सब चीजों का नाम, काम किया किसी ने पहले कभी हाँ यस सर, अपने नाम सुना सर, कितना काम का एक्सप्लोरेशन काम किसने किया एनसेबल पे? एनसेबल मैंने सर अपडेट्स के लिए उसको, मतलब हमारी कंपनी में भी होता है, आई डिड नॉट वर्क ऑन इट बट यस इट इज स्टिल यूज्ड। ठीक है, तो कंपनी क्या करती थी, या तो आप मैनुअल डिप्लॉयमेंट कर लो अपने सॉफ्टवेयर को ले जाके। ठीक है, आप अगर अपने सॉफ्टवेयर को ले जाके मैनुअल डिप्लॉयमेंट करते हो तो मैनुअल डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, तो कंपनी क्या करती थी, एनसेबल सर्वर लगाती थी, एनसेबल सर्वर के थ्रू डिप्लॉयमेंट कर रही है, स्क्रिप्टिंग के थ्रू डिप्लॉयमेंट कर रही है, तो कंपनी को एनसेबल सर्वर के मैन पावर की बंदों की नीड पड़ती थी, एनसेबल सर्वर लगाने में इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एनसेबल सर्वर की हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी चाहिए, तो एक टीम एनसेबल सर्वर पे बैठी हुई है सेपरेट। AWS कहता है आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, मेरा कोड डिप्लॉय यूज कर लो, ठीक जस्ट लाइक एनसेबल की तरह काम करेगा, क्या कर लो कोड डिप्लॉय, समझ आ रही है मेरी बात यहां पे? यस सर, क्या यूज कर लो, कोड डिप्लॉय यूज कर लो। सर ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड काइंड ऑफ है क्या? नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे टेलीफॉर्म की तरह काम, टेलीफॉर्म की तरह भी काम करता है क्या? नहीं, ये कोड डिप्लॉय के लिए काम करेगा एनसेबल की तरह। टेराफॉर्म का अल्टरनेटिव तो आपका क्लाउड फॉर्मेशन है ना, हाँ जी, ठीक है, तो आप अपने कोड को लाओ, सॉफ्टवेयर को लाओ, कोड डिप्लॉयमेंट को दे दो, वो क्या करेगा, और टारगेट में जिस जिस सर्वर को आप ऐड कर दोगे उस सर्वर पे जाकर वो ऐड करके आ जाएगा, डिप्लॉय करके आ जाएगा। तो इन एनसेबल बनाने के लिए जो मैन पावर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो माथा पच्ची पहले लगती थी, खत्म। फील्ड सर्वर बनाने में
जो माथा पच्ची लगती थी, खत्म। ठीक है, उसके बाद कंपनी कहती थी ठीक है हमने डिप्लॉयमेंट कर लिया, लेकिन कोड को रिव्यू करना है कि प्रॉपर तरीके से बना कि नहीं बना। तो रिव्यू करने के लिए कंपनी सिलेनियम लगाती थी, राइट, सिलेनियम जैसा सर्वर लगा रही थी, तो उसके थ्रू रिव्यू करती थी। यहाँ पे कहता है कि आपको इतना टेंशनबाजी करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अपना देता हूँ कोड गुरु, सुना इसका नाम, रिव्यू के लिए। कोड गुरु रिव्यूअर, समझ आ गई? हाँ जी सर। तो कंपनी को जो सिलेनियम सेटअप करना पड़ता था, सिलेनियम के मैन पावर के बंदों की जो नीड पड़ती थी, सब कुछ खत्म। उसके बाद ये सारे जो आपके जो सर्विस हैं, कोड कमिट, कोड बिल्ड, कोड डिप्लॉय, कोड गुरु रिव्यू, रिव्यूअर, इन सबको आपस में जोड़ना है। लाइक इन सबको जोड़ के पाइपलाइन तैयार करना है। क्या करना है? इन सबको जोड़ के पाइपलाइन अगर आपको तैयार करना है, तो पाइपलाइन तैयार करने के लिए आपको पता है कंपनी गिट लैब यूज करती थी, कंपनी जेनकिंस यूज करती है। तो जेनकिंस का सेटअप लगाओ, जेनकिंस कॉन्फिगर करो, जेनकिंस में जॉब बनाओ, जेनकिंस का मास्टर स्लेव बनाओ, उसकी हाई अवेलेबिलिटी देखो। जेनकिंस में नंबर ऑफ जॉब, अगर नंबर एट द मोमेंट ऑफ टाइम चल रही, तो उस पर लोड बढ़ जाता था। तो जेनकिंस जो मैन पावर पे आप जहाँ पे लगा रहे हो, तो ये कहते हैं कि मैं आपको कोड पाइपलाइन दे रहा हूँ। समझ आई सर? हाँ जी। क्लियर है यस सर, क्लियर है। कोड पाइपलाइन? तो कोड पाइपलाइन का इस्तेमाल करके आप जो चीज आप जेनकिंस में करते थे, वो चीज आप यहां पे कर सकते हो। उसके बाद आज के टाइम पे आपने देखा है कि कंपनी क्या कर रही है, डायरेक्ट EC2 इंस्टेंस के ऊपर अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट नहीं कर रही, डायरेक्ट EC2 इंस्टेंस के ऊपर अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट नहीं कर रही। तो डिप्लॉयमेंट कहाँ करती है फिर? कंटेनराइजेशन में कहाँ करती है? कंटेनर के ऊपर। अगर मान लो कंपनी का यह प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, ठीक है, और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में 100 सर्वर्स हैं, कितने, 1000 सर्वर्स हैं ले लो, और हर एक सर्वर पे आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड है। अगर आप अपने आर्टिफैक्ट को, लाइक अपने सॉफ्टवेयर्स को डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप अगर आप लोड करते हो, तो जहां पर आपको 1000 सर्वर्स की जरूरत पड़ रही थी, अगर वही काम आप कंटेनराइजेशन पे करते हो, तो आपके 100 सर्वर्स पे काम हो जाने। कितने सर्वर पे काम हो जाने? आप सभी में किसी ने डॉकर क्यूबरनेटिस पे काम किया है क्या? यस डॉकर कुबरनेटिस पे काम किया है ना? और बाकी लोग डॉक्टर पे करा है बट कुबरनेटिस पे इतना हैंड्स ऑन नहीं है। कुबरनेटिस में? और नहीं सर, हमने नहीं किया है। नो सर, हमने भी नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या होता है, म्यूट कर लो, किसी किसी के उधर से ना आवाज आ रही है, म्यूट कर लो। ठीक है, पहले
हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर जब हम लोग बनाते थे, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर को लोड करने के लिए हमें एक सर्वर चाहिए होता था और उस पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता था, और फिर हम लोग उसके ऊपर उसे लोड करते थे इस तरीके से। तो कोई भी आर्टिफैक्ट अगर निकल के आया, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर निकल के आया, तो उसको डिप्लॉयमेंट करने के लिए, लाइक उसको रन होने के लिए, उसकी एक मिनिमम हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है और एक सफिशियंट हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। भाई मिनिमम इतना चाहिए, सफिशियंट इतना चाहिए। तो एक सॉफ्टवेयर को चलने के लिए ना ज्यादा हार्डवेयर नहीं चाहिए, लेकिन पहले हम लोग फिर भी ज्यादा हार्डवेयर असाइन करते थे। क्यों? क्योंकि एक सॉफ्टवेयर आप जहां पर लोड करोगे वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी रन होने के लिए हार्डवेयर चाहिए। तो हम लोग क्या करते थे, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर पे जाके पढ़े तो उस पर लिखा होता था कि सॉफ्टवेयर को रन होने के लिए इतना हार्डवेयर एटलीस्ट चाहिए, 200 MB रैम, 500 MB रैम, ऐसे। लेकिन आपने 8 GB रैम आप असाइन करते थे, ऐसे सीपीयू भी आप ज्यादा देते थे। क्यों देते थे? क्योंकि सॉफ्टवेयर डायरेक्ट तो लोड होगा नहीं, सॉफ्टवेयर लोड होने से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना पड़ेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आपका सॉफ्टवेयर लोड होगा। आप जाकर चेक करते हो तो आपका 8 GB रैम तो आपने असाइन कर दिया, लेकिन आपका यूटिलाइजेशन जो हो रहा है वो 2 GB रैम हो रहा है टोटल, ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेस को भी मिला, या 3 GB हो रहा है या 4 GB हो रहा है। तो बाकी की जो रैम आपके बच रहे थे उसको आप यूज नहीं कर पाते थे। अगर आप यूज करने की कोशिश भी करते थे तो भी आप यूज नहीं कर पाते थे। तो फिर रिसोर्सेज को बेटर तरीके से यूटिलाइज होने के लिए मार्केट में आ गया क्या, वर्चुअलाइजेशन, VMware, तो इनको लाया गया। इनको लाने के बाद भी प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाया, तो फिर मार्केट में आया कंटेनर। क्या आया? कंटेनर। और जब मार्केट में कंटेनर आया, तो कंटेनर आने से रिसोर्सेस को आप बेटर तरीके से यूटिलाइज करने लगे। लेकिन जब मार्केट में कंटेनर आया था तो कंटेनर का इस्तेमाल हमारे जो डेवलपर्स होते थे वो इनको बहुत ज्यादा करते थे यूज, क्योंकि कंटेनर क्या होता है, लाइट वेट होता है। आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या करो, कंटेनराइजेशन सॉफ्टवेयर डालो, डॉकर डालो और छोटा सा कंटेनर आप बनाओ और अपने लाइट वेट लिनक्स की इमेज लाओ, इस पर डिप्लॉय करो और इसमें आपने अपनी सेल्फ टेस्टिंग कर ली, जो भी आपको कोड आपने बनाया उसकी टेस्टिंग करनी है और फिर डिलीट कर दो, एकदम लाइट वेट था। तो पहले जो डेवलपर्स को मशीन की रिक्वायरमेंट पड़ती थी कि यार हमें विंडो की मशीन दे दो, टेस्ट करना है, मैक की मशीन दे दो, उबंटू दे दो बना के, रेड हैट की मशीन दे दो, तो पहले डेवलपर्स मशीन के लिए फाइट करते रहते थे सिस्टम एडमिन के साथ, सिस्टम एडमिन से 100 सवाल पूछा करते थे। तो डेवलपर ने इसे बहुत ज्यादा यूज किया। तो जहां पर आपके 10 GB रैम में काम हुआ करता था, वहां पे 2 GB में ही काम हो जाता था। और आप सबने अगर पहले कभी डॉकर पढ़ा हो तो आपको पता ही भी होगा, मैं उतना ब्रीफ में नहीं जा रहा हूं अंदर क्योंकि तो हमारी डॉकर की क्लास नहीं है ये। तो इसको बोला गया कि प्रोडक्शन पे लेके, क्या हम लोग इस सिनेरियो को, इस टेक्नोलॉजी को प्रोडक्शन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? क्योंकि प्रोडक्शन में पहले वेयर मेटल सर्वर्स होते थे, फिजिकल सर्वर्स होते थे, VMware आ गया तो VM की मशीनें हुआ करती थी। तो क्या हम लोग इसको प्रोडक्शन पे डिप्लॉय यूज कर सकते हैं? तो प्रोडक्शन पे जब यूज करने की बात आई तो फिर बात आई कि क्या यहाँ पर हाई अवेलेबिलिटी मिलेगी, क्या यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी मिलेगी, क्या कोई कंटेनर डाई होगा तो ऑटोमेटिक रिकवर होगा, क्या कोई इंटरनल नेटवर्किंग मिलेगी, क्या इंटरनल DNS मिलेगा, लाइक ओवरऑल देखा जाए तो कंटेनर का मैनेजमेंट है क्या यहाँ पे, कोई जो कंटेनर को मैनेज करके रखेगा प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके सिस्टम के साथ।
तो फिर मार्केट में बहुत सारे डॉकर कम्युनिटीज ने डॉकर सॉम लॉन्च किया, फिर मार्केट में क्यूबरनेटिस आ गया, ओपनशिफ्ट आ गया, फिर देखा क्यूबरनेटिस आ गया, लिनक्स फाउंडेशन वालों ने लॉन्च कर दिया, ओपन शिफ्ट आ गया, डॉकर सॉम आ गया, ये आ गया, बट ये सब AWS का नहीं है। हालांकि इनको आप यूज कर सकते हो, कि आप AWS में VMs बनाएं, आप AWS में VMs बनाएं, क्लस्टर क्यूबरनेटिस लें, क्लस्टर सेटअप करें, सारी कॉन्फ़िगरेशन मैनुअल करें, ओपन शिफ्ट करें, डॉकर फॉर्म करें, लेकिन VMs बनाने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस सब कुछ आपको हैंडल करना है, आपके मैन पावर को हैंडल करना है। तो क्यूबरनेटिस का क्लस्टर सेटअप करना कोई बहुत बड़ा इजी काम नहीं होता है, बहुत मातापच्ची वाला काम है। आपने कभी कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप किया हो या कुबरनेटिस में काम किया हो तो आपको पता है ये बात। आपने अगर ओपन शिफ्ट में कभी काम किया तो आपको पता है कि एक बहुत बड़ा चैलेंजेस हो जाता है ओपन शिफ्ट का क्लस्टर सेटअप करना और क्लस्टर को मेंटेन करना, क्लस्टर को मैनेज करना। भाई AWS तो इसी चीज से फेमस है कि जो चीज आपको फिजिकली करनी पड़ती थी हमारे पास आने के बाद आपको वो सारी चीजें ना करनी पड़े। जो चीजें आपको फिजिकली सर पे हेडक लेके बैठना पड़ता था, इंफ्रा को लेकर, मेंटेनेंस को लेकर, हमारे पास आने के बाद वो टेंशन फ्री हो जाता। इन्हीं जब इन इन्हीं सारी चीजों से क्लाउड प्रोवाइडर फेमस है। हम क्लाउड पे क्यों जाते हैं? इसलिए तो जाते हैं ना कि हमें जो इंफ्रा लगाना पड़ता था, इंफ्रा की मेंटेनेंस करनी पड़ती थी, उस पे जो क्लस्टर के लिए जो सर्टिफिकेट होते थे, राइट, उसके जो सॉफ्टवेयर होते थे उसकी मेंटेनेंस, सारी चीजें हमारी। अगर हमें कोई प्रोजेक्ट चलाने के लिए 100 मैन पावर की जरूरत पड़ रही है तो बाद में पता लगता है कि 20 मैन पावर तो हमारे क्लस्टर को मैनेज करने के लिए बैठे हुए हैं। कॉस्ट तो अलग बात है, उसका हार्डवेयर कॉस्ट तो अलग है। तो AWS के पास आने के बाद यही बेनिफिट हो जाता है कि इन सब चीजों टेंशन फ्री। तो AWS ने क्या किया कि इनका अल्टरनेटिव लॉन्च कर दिया, क्या? EKS, इलास्टिक क्यूबरनेटिस सर्विस। तो EKS में आने के बाद आपको प्रॉफिट क्या हो जाता है? EKS में आने के बाद प्रॉफिट वही है कि क्लस्टर आप सिर्फ फ्यू स्टेप्स क्लिक करें, आप हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन बताएं, आप नेटवर्क सेटिंग बता दें कौन से नेटवर्क में आपको डालना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करें, आपका EKS क्लस्टर बनकर रेडी हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रोडक्शन जो है वो EKS हो गया। क्या हो गया प्रोडक्शन? क्या हो गया आपका? EKS हो। तो रिप्लेसमेंट देखें आप लोग यहां पर किस तरीके से हो रही है। अगर कोई बंदा कहता है मैं गिट में, गिटहब में काम कर रहा हूं, मैं जेनकिंस में काम कर रहा हूं, राइट, मैं मावन में काम कर रहा हूं, मैं सिलेनियम भी काम करता हूं, मैं एंसेबल भी देख रहा हूं, मेरा ऑन प्रमाइसिस कुबरनेटिस क्लस्टर लगा हुआ है या ओपन शिफ्ट क्लस्टर लगा हुआ है, वहां पे हम CI/CD पाइपलाइन बना के ऑटोमेशन डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, वो बंदा भी डेवऑप्स पे काम कर रहा है सर। और कोई बंदा कहता है कि मैं AWS का डेटा सेंटर मैंने लगाया है, मैं AWS का कोड कमिट, कोड बिल्ड, कोड डिप्लॉय, कोड गुरु एंड कोड पाइपलाइन, और मेरा प्रोडक्शन EKS पे है, हम डिप्लॉयमेंट EKS के ऊपर करते हैं, ये भी डेवऑप्स पे काम कर रहा है। समझ आई मेरी बात? यहां पर ये इतनी चीजें, जी क्लियर जी सर, जी सर, है सबको? यस यस। जस्ट एक मिनट।
समझ आ गई। तो कंपनी ने क्या किया है, देखो चीजें कैसे रिप्लेस हो रही हैं, चीजों को समझो। पहले बंदे AWS पे काम करते थे, ठीक है, पहले बंदे AWS पे काम करते थे, क्या करते थे, पहले VPC बनाते थे, ठीक है, VPC के अंदर सबनेट्स बनाते थे, लाइक वेब सबनेट, डेटाबेस सबनेट, है ना, ऐसे 3-tier आर्किटेक्चर सेटअप करते थे इस तरीके से, अपना लोड बैलेंसर लगाते थे, अपना ऑटो स्केलिंग लगाते थे, अपना मॉनिटरिंग के लिए क्लाउड वॉच लगाते थे, ठीक है, DNS के लिए Roof 53 लगाते थे, और सब कुछ मैनुअल करते थे। अगर उनको कंटेनराइजेशन की जरूरत पड़ती थी तो इन्हीं इंस्टेंस के ऊपर वो Kubernetes सेटअप करते थे, इन्हीं इंस्टेंस के ऊपर Kubernetes सेटअप करते थे। हाँ ठीक है, आपने डायरेक्ट VM के ऊपर करते, अगर आप डायरेक्ट VM के ऊपर डिप्लॉयमेंट करते हो तो मान लो आपको यहाँ पर 100 VMs की जरूरत पड़ रही थी, यहाँ पे आपको 100 VMs, यहाँ पे आपको 100 VMs की जरूरत पड़ रही थी, ठीक है, ये वेब टीयर, ये ऐप टीयर, ये डेटाबेस, फिर आप इन पे Kubernetes क्लस्टर सेटअप कर रहे हो। हाँ लोड बैलेंसर की जरूरत तो पड़नी ही पड़नी है, तब भी ऑटो स्केलिंग की आपने Kubernetes इंप्लीमेंट कर दिया तो क्लस्टर सेटअप आपको करना है, तो आपको 100 10 सर्वर की जरूरत पड़ गई, यहाँ 10 सर्वर की, 10 सर्वर, तो 10 10 सर्वर की जरूरत तो पड़ गई आपको, लेकिन अभी भी क्लस्टर सेटअप आपको ही करना पड़ेगा। क्लस्टर सेटअप से बचने के लिए आपने EKS लॉन्च कर दिया, ठीक है, तो जब आप EKS लॉन्च करोगे, अब कई बार लोग बोलते हैं सर EKS आने के बाद क्या हमारा वो पहले वाला AWS का नॉलेज खत्म हो गया क्या, जो हमने AWS क्लाउड पढ़ के आया है, जो हमने AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट पढ़ा है, कभी AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट में हमने काम किया है, उसके एग्जाम्स हमने निकाले हैं, AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल्स हमने किया, क्या उनकी नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं सर, नॉलेज आज भी उनकी जरूरत पड़ेगी। पूछो कैसे, जब भी आप EKS का क्लस्टर सेटअप करोगे तो आपसे पूछेगा कि आप VPC कौन सा लेना है, ऐसे नहीं कि VPC की नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, पूछेगा आपसे VPC सिलेक्शन करो। और आपको पता होगा कि AWS क्या करता है, जब भी आप AWS पे अकाउंट बनाते हो तो सबके अकाउंट में हर रीजन में एक डिफॉल्ट VPC बनाकर आपको पहले से देता है। तो कंपनी के अंदर उस डिफॉल्ट VPC को सिलेक्शन नहीं करोगे आप, कंपनी के अंदर EKS डिप्लॉयमेंट जब आप करोगे, EKS को जब आप क्रिएट करोगे, या फिर आप कोड डिप्लॉय क्रिएट करोगे, कुछ भी करोगे, कोड बिल्ड क्रिएट करोगे, XYZ जो भी है, आगे की सर्विसेज भी है, तो आप वो डिफॉल्ट VPC नहीं लोगे, आपको अपना कस्टम VPC लेना पड़ेगा। तो कस्टम VPC आपको पहले से बना के रखना होगा। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पे? यस सर, EKS के आगे लोड बैलेंसर की जरूरत आपको आज भी पड़ेगी। तो लोड बैलेंसर जब आप क्रिएट करते हो तो आपको पता होगा कि लोड बैलेंसर क्रिएट करते टाइम भी हमें हमें ये सारी चीजों का सिलेक्शन करना पड़ता है कि कौन सा VPC नेटवर्क लेना है, कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप लेना है, कौन सा फायरवॉल लेना है, DNS आपको आज भी जरूरत पड़ेगी, Route 53, क्लियर है यहाँ तक? सर मेरा एक क्वेश्चन था, ये हम लोड बैलेंसर के ऊपर भी सिक्योरिटी ग्रुप होता है क्या? अच्छा, राइट, लोड बैलेंसर के ऊपर भी सिक्योरिटी ग्रुप, मतलब वो कैसे क्या है, मतलब वो कैसे, तो थोड़ा सा ये कन्फिगर करते टाइम पे ही मांगता आई थिंक, या फिर लोड बैलेंसर मतलब को, मतलब लोड बैलेंसर कैसे वहां पे सिक्योरिटी ग्रुप सेट करते हैं, मतलब जब लोड बैलेंसर हम क्रिएट करते हैं तभी वहां पे वो मतलब क्वेश्चन पूछता है, या फिर वो मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था उसमें, या फिर कैसे वो सेट होता है उस पर सिक्योरिटी ग्रुप, मतलब डिफाइन करते हैं या फिर क्या है? जब मैं लोड बैलेंसर आपको पढ़ाऊंगा ना तो वहां पे मैं आपको बता दूंगा। सिंपल सा होता है, ठीक लोड बैलेंसर के जब आप क्रिएट करते हो तो फ्रंट में उसको सिक्योरिटी ग्रुप चाहिए चाहिए, है, अच्छा मतलब वही कन्फिगर जो हम करेंगे उसको स्टेप बाय स्टेप तो उसी में मांग लेगा ना? राइट, उसी में मांग लेगा। ठीक है, ठीक हो गया ना? फिर उसके बाद जो बैकएंड है आपका डेटाबेस,
तो यहाँ पर भी डेटाबेस चाहिए आपको, और जब आप डेटाबेस सेटअप करोगे, आरडीएस हो गया या DynamoDB हो गया, तो डेटाबेस सेटअप करोगे तो वहाँ पे भी आपको प्रीवियस नॉलेज में आपको चाहिए होगा भाई, कौन सी VPC में आपको डिप्लॉय करना है, कौन से नेटवर्क पे करना है, कौन से सबनेट पे करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ लॉगिन करके। तो देखो ये देख रहा हूँ, ये आपका कोड कमिट, यहीं पे आपको मिल गया कोड कमिट, कोड आर्टिफैक्ट, कोड बिल्ड, कोड डिप्लॉय, कोड पाइपलाइन। ठीक है, उसके बाद एक चीज आपको और बता देता हूँ, जब हम लोग ऑन प्रमाइसेस में या क्यूबरनेटिस में कहीं पे भी हम लोग काम करते हैं, तो जब हम लोग कोई डिप्लॉयमेंट करते हैं तो जो इमेज होती है कंटेनर की, वो इमेज हमारी कोई एक रेपोजिटरी पे स्टोर होती है, जैसे आपकी गिटहब रेपोजिटरी होती है ना, ऐसे इमेज की रेपोजिटरी होती है। तो कंपनी रेपोजिटरी डॉकर हब में भी यूज करती है। तो डॉकर हब में आपको पता है कि पब्लिक रेपोजिटरी का भी ऑप्शन मिलता है और प्राइवेट रेपोजिटरी का, है ना। तो कंपनी अगर प्राइवेट रेपोजिटरी डॉकर हब पे लेती है तो उसके पेमेंट देने पड़ते हैं, पता है बात की नहीं पता सबको। हाँ जी, है ना, पेमेंट देने होते हैं। तो कंपनी अपनी लोकल रेपोजिटरी अगर बनाती है तो फिर लोकल रेपोजिटरी बनाएगी तो सर्वर चाहिए, सर्वर चाहिए तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आ गई, आई नहीं आई। तो AWS वाला कहता है कि आप इतना हेडेक क्यों पालते हो, मेरी ECR ले लो। क्या ले लो? इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री। तो बैकएंड में AWS कहता है कि आप मेरा ECR सर्वर ले लो, आपको उस ऐसा सर्वर बना के दूंगा जहां पे आप अपना इमेज स्टोर कर सकते हो, और वो टोटली प्राइवेट होगा। आप जितना चाहो उतना इमेज स्टोर कर लो, कितना इमेज पुल करोगे या पुश करोगे, कभी भी आपको ऐसी फील नहीं आने दूंगा कि लोड हैंग हो रहा है या स्लो हो रहा है, क्योंकि तो बैकएंड मैनेजमेंट वो कर रहे हैं। बस इनको क्या चाहिए, इस चीज का रेंट चाहिए। क्या चाहिए सर, क्या चाहिए इनको? रेंट चाहिए। क्लियर ना यहाँ तक? तो देखो, मैं यहाँ पर अगर एक छोटा सा अभी आपको डेमो दे रहा हूँ, जस्ट लाइक एक, अभी अभी ध्यान नहीं देना उतना। तो अगर मैं कोड कमिट में आया और यहाँ पर किट रेपोजिटरी करता हूँ, तो जैसे आप गिटहब में रेपोजिटरी बनाते हो ना, सेम वैसे ही है सर। तो यहाँ पर मैं रेपोजिटरी का नाम दे दिया टेस्ट रेपो। क्या दे दिया? रेपो टेक्निकल, कुछ भी नाम दे सकते हो। एंड मैंने यहाँ पे क्रिएट में क्लिक किया,
तो अब देखो यहां पर, अब इसके अंदर देखो क्या आ रहा, पुल रिक्वेस्ट, कमिट रिक्वेस्ट, ब्रांच, गिट टैग, सेटिंग, सब कुछ यहां पर अवेलेबल है। यहां पर ये आपको वो है कह रहा है कि क्लोन करना, तो देखो क्लोन की कमांड ये रही, पूरी बना के दे दी इसने, गिट क्लोन, जैसे आपको गिटहब में बना के देता था प्रॉपर। आपको कोई फाइल ऐड करनी है, आप यहीं से ऐड कर लो, कह रहा क्लोन का जो कनेक्शन टाइप है, कनेक्शन स्टेप है, कह रहा है HTTPS भी बना सकते हो, SSH भी बना सकते हो, और HTTPS GRC भी बना सकते हो। अगर मैं यहां पर कोई फाइल क्रिएट करना चाहता हूं तो यहां से आप कोई फाइल क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैंने यहां पर एक फाइल क्रिएट किया, यहां पे आप अपना छोटा सा एग्जांपल जैसे मैं दे रहा हूं, वेलकम टू इंडिया, और नाम यहां पे आप मैंने दे दिया इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ऑथर नेम मैंने दे दिया, ईमेल आईडी दे दिया यहाँ पे मैंने, एक मिनट। तो ये देखो मैंने इसको डाल दिया। अब मान लो कोई डेवलपर है, वो इस पे काम करना चाहता है, लाइक अपने कोड वगैरह लिख के, तो क्या करेगा, वो अपने सिस्टम पे गिट बैश वगैरह डाउनलोड कर लेगा यहाँ से जाके, इस तरीके से मैक या विंडोज लिनक्स सबके अवेलेबल हैं, उसने विंडोज के क्या किए, 32 है, 64 है, इसको इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, तो डबल क्लिक करके आप इंस्टॉल कर लो।
देखो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, एक टर्मिनल खुला भी हुआ है, तो इसलिए एरर दे रहा है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि बोले। इनकी अभी तक यूसेज कितनी है? AWS कोड कोड कमिट और कोड गुरु, क्या व्हाट नाम है इज द आपका? इंडस्ट्री वाइड एक्सेप्टेंस अभी कितने कितना है, मतलब इनका मार्केट शेयर या सर इसका एनी यू आइडिया? इसका यूजेस आपका बहुत बढ़िया है सर। अगर कंपनी AWS पे ही है फुल्ली तो यूज कर रही है इसको, और पुरानी चीजें तो माइग्रेट करके इस पे आ रहे हैं लोग। मतलब मेरे मतलब सेकेंड हैंड पर्सपेक्टिव मेरा ये है कि जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है लाइक अस, तो वी आर इन प्रोडक्ट बेस्ड, सो हम एक पर्टिकुलर क्लाउड को, अगर इफ वी आर स्टिक टू वन पर्टिकुलर क्लाउड देन देखो इसका आपकी कंपनी क्लाउड पे है तो इसे यूज करेगी, ठीक है, AWS क्लाउड पे तो यूज करेगी। अगर आपकी अच्छा कंपनी मतलब AWS क्लाउड पे नहीं है तो फिर इसे यूज नहीं करेगी सर। मतलब इफ आई एम क्रिएटिंग ए प्रोडक्ट, माय प्रोडक्ट शुड बी वाइड ओपन फॉर अदर क्लाउड एज वेल, लेट्स से जीपीसी और सर जी अगर आपका आपका प्रोडक्ट GCP पे है तो कंपनी इसका क्यों यूज करेगी, GCP का यूज करेगी। नहीं, व्हाट आई एम सेइंग कि माय कंपनी इज क्रिएटिंग ए प्रोडक्ट, सो आई हैव टू बी ओपन फॉर ऑल दी सॉफ्टवेयर, तो उस केस में दिस इज नॉट रिकमेंडेड, राइट? दिस इज रिकमेंडेड ओनली व्हेन माय सर्वर इज ऑन AWS, लाइक ऑलरेडी वर्क यूजिंग AWS एंड आई हैव नो प्रॉब्लम, यू नो, टाइटली कपलिंग विद AWS. नहीं, आप गलत जा रहे हो। आप ये बताओ आपकी कंपनी ऑन प्रमाइजेस में है या क्लाउड पे है फुल्ली, ये बताओ मुझे पहले। जो प्रोडक्ट है ना, जो प्रोडक्ट है द कोड, वो तो ऑन प्रमाइज है. नाउ इफ आई एम सेलिंग टू वन कस्टमर, तो नाउ इट इज कस्टमर हु विल डिसाइड विच क्लाउड ही विल यूज. अच्छा तो देन मतलब मेरे लिए तो मुझे आप गूगल प्रोडक्ट क्लाउड क्या खुद बना यूज रहे? करके, आपकी कंपनी प्रोडक्ट क्या बनाती है, प्रोडक्ट हमारा OSS नेटवर्किंग के लिए है, टेलीकॉम. क्या बना क्या रहे हो आप लोग? CRM भी है, बिलिंग सॉफ्टवेयर भी है, ठीक है, देन आपके नेटवर्क डेवलपर्स कहाँ ऑफिस बैठते हैं? थ्रू आउट द वर्ल्ड ही है.
इट्स ऑल थ्रू आउट द ठीक है, वर्ल्ड। प्रोडक्ट बनाने के बाद आप क्या करते हो उसकी? प्रोडक्ट बनाने के बाद देन मतलब जो नॉर्मली अगर हम सेल करते हैं ना, उसके साथ सर्विसेज भी जाती हैं कि लेट्स से कस्टमाइजेशन होता है ऑन द प्रोडक्ट। मतलब इट इज नॉट डायरेक्टली सेलेबल कि मैं एक एक्सी फाइल दे दूं एंड एवरीथिंग विल वर्क फॉर देम। दे विल सेटअप सम रिक्वायरमेंट फॉर अस, देन वी विल कस्टमाइज आवर प्रोडक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है, राइट? इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप भी, और हाँ मतलब हाँ, एवरीथिंग। तो आप अपने कस्टमर को अगर सिर्फ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो तब तो ठीक है, कस्टमर है जाने, लेकिन कस्टमर कहता है कि प्रोडक्ट के साथ आप इसकी नए रिलीज, नए अपग्रेडेशन भी सेल करें, इंफ्रा भी सेल करें, तो अब कस्टमर डिसाइड करता है कि उसका इंफ्रा कहाँ लगना है। ठीक है, कस्टमर ने डिसाइड किया कि उसका इंफ्रा AWS पे लगना है, तो आप ये यूज करोगे, अदरवाइज आप यूज नहीं करोगे सर। समझ गया बात को? अगर कस्टमर ने बोला कि भाई मेरे को ऑन प्रेम लगा के दे, तो फिर आप ये क्यों यूज करोगे सर? फिर ऑन प्रेम का GitHub Jenkins वो यूज करोगे ना। कस्टमर ने आपको बोला कि गूगल क्लाउड पे लगा के दे, तो फिर आप गूगल क्लाउड की ये सारी चीजें यूज करोगे, वहां पे भी EKS की जगह आपका गूगल Kubernetes है, और वहां पे वो देते हैं। कस्टमर कहता है कि अजूर क्लाउड पे, तो फिर अजूर क्लाउड की आप करोगे। तो बेसिकली क्या है कि देखो क्या होता है कि आप अगर बहुत टॉप लेवल पे बैठ के काम करना चाहते हो, आप मोटा पैकेज लेना चाहते हो, तो मोटा पैकेज में फिर ये नहीं होता कि आपने किसी एक कस्टमर के साथ बाइंड होके आपको रहना है। ये नहीं होता कि आप किसी कंपनी के लिए ऐसा कंसल्टेंट ज्वाइन किया आपने, तो आप किसी एक ही डोमेन के स्पेसिफिक नॉलेज है और आप बोलते हो कि मैं एक ही चीज पे परफेक्ट हूं। नहीं, कस्टमर क्लाइंट आपका जैसा आएगा आपको वैसा मुड़ जाना है। आपका क्लाइंट आया कि ऑन प्रमाइसिस CI/CD लगा के देना, तो वहां पर फिर आपको ऑन प्रमाइसिस की गिटहब की नॉलेज होनी चाहिए, ऑन प्रमाइसिस बिल्ड टूल, ऑन प्रमाइसिस डिप्लॉयमेंट टूल एंसिबल, ऑन प्रमाइसिस कोड रिव्यू टूल आपको सिलेनियम पता होना चाहिए, ऑन प्रमाइसिस पाइपलाइन बनाने के लिए जेनकिंस आपको पता होना चाहिए। लेकिन वहीं पर एक क्लाइंट आ गया जो बोला कि यार AWS पे हमें लगाना है, सब कुछ AWS पे करना है, तो आपको फिर इस चीज की नॉलेज होगी AWS में कोड कमिट सेटअप कैसे होगा, बोल्ड कैसे होगा, डिप्लॉयमेंट ग्रू, ये पाइपलाइन EKS ECR वो क्या होना चाहिए। ऐसी कस्टमर आ गया एजोर का, तो फिर एजोर की चीजें पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें ही तो समझ के आप एक एक्सपर्ट बनते हो, समझ गए ना बात को? तो ऐसा नहीं है कि ऑन प्रमाइसेस में बैठे हुए हैं लोग या एजोर क्लाउड में बैठे हुए हैं और एजोर क्लाउड वाले कह रहे हैं कि हम AWS का कोड पाइपलाइन यूज करेंगे। नहीं, क्यों यूज करेंगे सर, वहां पर है उनका। समझ रहे हैं बात को? यस वो सर, वहां मुझे से एक घूम और के क्यों क्वेश्चन है। आएंगे, जैसे वो और अगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उनके लिए जैसे तो। मुझे गिट की नॉलेज है, मुझे जेनकिन की नॉलेज है ना, लेट्स से जो ओपन वाइड टेक्नोलॉजीज हैं, क्योंकि तो उनके रिसोर्सेस भी आराम से मिलते हैं, राइट। अगर मैं AWS के स्टैक को सीख लेता हूँ, इट इज वन ऑफ द टेक्नोलॉजी विच आई विल लर्न टुगेदर विद द ओपन वाइड टेक्नोलॉजी, आई शुड ऑल्सो लर्न दोज टेक्नोलॉजी, राइट। जो आप बोल रहे हो कि आई कैन बी मोल्ड फॉर एनी क्लाइंट, बिल्कुल। और किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो नहीं है सर, लेकिन ये पॉसिबल है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑन प्रेम पे इंफ्रा चला रहा है और वो अगर AWS DevOps के टूल्स यूज करना चाह रहा है अपने पॉसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, में, हाँ कर सकते हैं, और अजूर के इंफ्रा में भी पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे हमारा ये जो कोड डिप्लॉय है, ठीक है, आपका जो कोड डिप्लॉय है ये कहता है कि आप डिप्लॉयमेंट ऑन प्रेम की मशीन में भी कर सकते हैं। तो मान लो अगर मेरे पास ऑन प्रेम की मशीन में डिप्लॉयमेंट करना है, अब मुझे एंसेबल की नॉलेज नहीं है, मुझे एंसेबल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगाना, तो मैं AWS का कोड डिप्लॉय सर्विस लूंगा और अपना कोड यहां पे रह के ऑन प्रेम में डिप्लॉयमेंट करा लूंगा। समझ रहे हैं बात को? हाँ जी। और ऐसा भी है कि अगर मेरा ऑन प्रेम में सेटअप है और ऑन प्रेम में मैं जाना चाहता हूं, तो ऑन प्रेम में अगर आपको रेपोजिटरी चाहिए तो आप गिटहब के साइड जाएं या कोड कमिट के साइड जाएं, क्या फर्क पड़ता है? अकाउंट तो दोनों में ही बनाना पड़ता है। अगर आप ऑन प्रेम में बैठे हुए हैं और गिट रेपोजिटरी की जरूरत पड़ती है, तो आप गिट रेपोजिटरी की साइड जाएं या AWS कोड कमिट में जाएं, क्या फर्क पड़ता है? अकाउंट यहां भी बनाना, यहां भी बनाना। ऐसे ही अगर बिल्ड की बात करें, हम लोग बिल्ड की बात करें, आपकी कंपनी ऑन प्रेम में बैठी हुई है,
आप बिल्ड कर लेके क्या करते हो, आप सर्वर लगाते हो, मावन इंस्टॉल करते हो, बिल्ड करते हो, बिल्ड करके आर्टिफैक्ट निकल के आता है। आर्टिफैक्ट कहाँ जा रहा है, इस सर्वर के किसी लोकेशन में जा रहा है, आप उसको पेन ड्राइव में लेते हो, फिर आगे जो भी करना हो करते हो। तो कह रहे बिल्ड करने के लिए ये क्यों कर रहे हो, आप बिल्ड करने के लिए AWS पे अकाउंट बनाओ, AWS का कोड डिप्लॉय यूज करो, वहां बिल्ड करो, बिल्ड करने के बाद आर्टिफैक्ट कहाँ, आर्टिफैक्ट स्टोर कहाँ करना हो बता दो। आर्टिफैक्ट आपने S3 बकेट बनाया वहां स्टोर कर लिया, S3 बकेट आपको ऑन प्राइम में किसी सिस्टम के साथ माउंटेड है, वो आर्टिफैक्ट आपको आ गया। तो अल्टीमेट आपको चाहिए क्या था, बिल्ड प्लेटफॉर्म चाहिए था, बिल्ड होने के लिए आर्टिफैक्ट चाहिए था, वो आप यहाँ पे भी कर लो, यहाँ पे भी कर लो, यहाँ पे करके मैंने उसको ऑन प्रेम में लेके आ गया। अब ऑन प्रेम में ले लाके मैं अपने कस्टमर को दे रहा हूँ प्रोडक्ट, ऐसा भी कर सकते हो। समझ आ रही नरेश ये लाइन में जो बोला, हाँ ये तो राइट? हम्म। ऐसे ही अगर आपको कोड रिव्यू करना है, ठीक है, आप ऑन प्रेम में बैठ के मान लो आपने सॉफ्टवेयर बिल्ड कर लिया, अब वहां पे बैठ के आपको रिव्यू करना, रिव्यू करने के लिए आपको सिलेनियम चाहिए, आपके पास कोई सिलेनियम की टीम नहीं है, आप AWS में अकाउंट बनाओ, कोड रिव्यू सर्विस लो और वहां पे अपना कोड डाल के रिव्यू कर लो, क्या फर्क पड़ता है? ऐसी कोड पाइपलाइन है आपका, मान लो ऑन प्रेम में सब कुछ चल रहा है, ठीक है, ऑन प्रेम में आपका गिटहब है, गिटहब आपको ऑन प्रेम में, ठीक है, आपके प्रोडक्शन सारे ऑन प्रेम में, आपने कोड पाइपलाइन लिया क्योंकि आपके पास जेनकिन सेटअप नहीं कर सकते आप, जेनकिन मैन पावर नहीं है कि जेनकिन आपके पास मास्टर स्लेव करने का वो नहीं है, आपने AWS पे अकाउंट बनाया, कोड पाइपलाइन सर्विस ली, आपने कोड पाइपलाइन के साथ गिटहब को इंटीग्रेट कर लिया, बिल्कुल गिटहब इंटीग्रेट हो जाता है, बिटबकेट इंटीग्रेट हो जाता है, गिटलैब इंटीग्रेट हो जाएगा, आपने उसको इंटीग्रेट कर ली और आपने पाइपलाइन, तो सारा चीज आपका ऑन प्रेम में है, लेकिन आपने एक्सेप्ट जेनकिन छोड़ के आपने जेनकिन से AWS पे ले लिया, जेनकिन की जगह आपने AWS में कोड पाइपलाइन ले लिया, तो ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कुछ सर्विस, जैसे कंपनी एजोर पे काम कर रही है, ठीक है, इनमें से कोई एक सर्विस कंपनी को एजोर वाली पसंद नहीं आ रही, कंपनी AWS का ले लेगी, लेकिन दूसरे क्लाउड से आकर लेना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वहां पर चीजें हैं और सब कुछ है। तो सिंपल सा कहने का मतलब यह है कि आप अगर एक स्ट्रांग डेवॉप्स इंजीनियर बनना चाहते हो, राइट, तो अगर आप ऑन प्रेम के डेवॉप्स को टूल को पढ़ के जाते हो, ठीक है, तो आपका सेक्शन डन है। बट अगर आप ये बोलते हो इंटरव्यू में कि मुझे AWS की भी डेवॉप्स की सर्विस आती है, मुझे एजोर की भी डेवॉप्स की सर्विस आती है, मुझे गूगल क्लाउड की भी डेवॉप्स की सर्विस आती है, तो आपके CV में थोड़ा सा जोर पड़ जाएगा, यार इस बंदे को ना सब कुछ पता है, जैसा क्लाइंट आएगा वैसा काम करके दे देगा, ये एक माइंड में पिक्चर बन जाएगा इंटरव्यूअर के। और अगर कंपनी AWS पे है और वो सब कुछ AWS पे की ही यूज कर रही है तो प्लस पॉइंट तो है ही है। समझ आ गई मेरी बात यहां पर, क्लियर है? यस तो ये देखो ये डेवलपर का सिस्टम है, इसने एक फोल्डर बना लिया MKDIR, सिंपल है। ठीक है, यहाँ पर गया और जैसे गिटहब में आप क्लोन करते थे, ठीक
इसने आईडी पासवर्ड यहाँ से मांगा। ऑथेंटिकेशन तो मैंने सेट किया नहीं, फिर आईडी पासवर्ड क्यों इसने मांगा? ये ना मेरे को यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि ना इसमें ऑथेंटिकेशन वगैरह स्टोर हो गया, तो इसको मैं अभी साइड करता हूँ। मैं एक काम करता हूँ आपको एक सैम्पल डेमो दिखाने के लिए, डायरेक्ट समझ लो मैं गिटहब में ही चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैंने चेंजेस किया है और मैं कोड, बाकी चीज़ें जो अभी यहाँ पे जो सेट पासवर्ड वगैरह वो मैं जब सेपरेट पढ़ाऊंगा ना कोड कमिट, तो वहाँ पे समझा दूंगा। अभी सिंपल एक डेमो दे रहा हूँ मैं, तो मैं कोड पाइपलाइन पे आया और अभी आपके सामने ना कोड पाइपलाइन क्रिएट कर रहा हूँ, देखना। तो अब यहाँ पर देखना क्या क्या ऑप्शंस आता है कोड पाइपलाइन क्रिएट पाइपलाइन। आप जब जैसे ही करते हो तो कहता है पाइपलाइन का नाम बता दो, तो मैंने पाइपलाइन का नाम यहाँ पे बता दिया टेक्निकल इंडिया। अब यहाँ पे देखो थोड़ा नीचे आओ, नेक्स्ट करो। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये चीज समझो, कह रहा सोर्स प्रोवाइडर, देख रहे हो? तो AWS का कोड कमिट भी आप डिफाइन कर सकते हो, Amazon का ECR, मतलब कि आपने बोला है कि हमारी कंटेनर बेस इमेज हमें चाहिए, ठीक है, कंटेनर की इमेज, तो आपने ECR ले लिया, तो क्या करेगा आपका ECR सर्वर AWS में बना हुआ है, वो आपने सोर्स में दे दिया, वहां से इमेज उठा के वो आगे नेक्स्ट कर दिया करेगा। अमेजोन S3 बिट बकेट, गिटहब वर्जन 1, गिटहब वर्जन 2, गिटहब एंटरप्राइजेस एंड गिट लैब, तो ये सारी चीजें दे रहा है। क्लियर है यहां तक सर सबको, कि कोड पाइपलाइन में जो सोर्स ऐड कर सकते हो ये ऐड कर सकते, और ये ही सारे फेमस में है। अभी डाउट है किसी को? तो मान लो अगर मैं कोड कमिट करता हूं तो कुछ नहीं करेगा, कोड कमिट करोगे तो AWS में ये आपसे रेपोजिटरी मांगेगा, ये रेपोजिटरी आपने दे दिया, ब्रांच नेम मांगेगा, ये मैंने ब्रांच नेम दे दिया। अगर यहीं पे मैं क्या करता हूं, कोड कमिट नहीं, यहां पे मैं गिटहब लेता हूं, लो तो मैंने गिटहब लिया, तो कह रहा है गिटहब को कनेक्ट करो, तो कोड पाइपलाइन AWS का है बट रेपोजिटरी मैं गिटहब का यूज कर पा रहा हूं। देखो जो कोड कमिट है ना, कोड कमिट के अंदर मतलब हमें
रेपो को स्टोर करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा हमारे बिल्ड करने के बाद सीधा वो डिप्लॉय कर देगा, राइट? रेपो मतलब? मतलब रेपो ने मतलब जैसे जो इमेज है वो कोड कमिट के अंदर से कमिट होने के बाद से वो सीधी वहीं से पुल कर लेगा। नहीं समझा हमारे कि किसी ईसीआर में जैसे ऑप्शन है ना, कोड कमिट है फिर को ईसीआर है, ईसीआर में तो हमारा इमेज जो है डॉकर की इमेज सेव होती है अभी जो भी है, बट जो कोड कमिट वाला ऑप्शन है तो वहां पे कमिट के बाद से वो सीधे वहां से डेटा मतलब ले लेगा ना। नहीं, देखो क्या होता है, आप पाइपलाइन बना रहे हो, ठीक है, हाँ तो पाइपलाइन में आपसे पूछते हैं कि भाई आप सोर्स कहाँ से लोगे, मतलब कोडिंग कहाँ से उठाओगे, कोड डेवलपर का कोड कहाँ से उठाओगे, डेवलपर आप कहाँ से, कोड आप कहाँ से उठाओगे। तो जी पाइपलाइन में आपने बोला यार गिटहब से उठा लो कोड, ठीक है, हाँ आपका कोड AWS की रेपोजिटरी सर्वर पे रखा हो, तो आपने बोला यार कोड कोड कमिट से उठा लो। ठीक है। गिट लैब में किसने रखा, तो आप बोल रहे हो गिट लैब से उठा लो। हाँ आप कह रहे हो कि यार डेवलपर ने कोडिंग करके प्रॉपर डॉकर की इमेज बना के और रजिस्ट्री सर्वर पे अपलोड कर दी है, उस रजिस्ट्री सर्वर का नाम या तो डॉकर हब हो सकता है या तो ईसीआर है, क्या है, ठीक तो ईसीआर है, तो कह रहा है कि आप एक काम करो आप ईसीआर से उठा लो, है तो ठीक वो चीजें सर है। है। मतलब वही कमिट के अंदर वो सीधे कमिट करने के बाद सीधे वहां से उठा ले, या फिर इसी यार में रखा गया तो वहां से मतलब सारा हाँ पाथ ही है एक तरह से। ठीक बिल्कुल, पाती है एक तरह, ठीक है, ठीक। तो यहाँ से मैंने बोला गिटहब से उठा ले, तो कनेक्ट किया, जैसे आप लॉगिन करोगे तो गिटहब का आईडी पासवर्ड आपको देना पड़ेगा, तो आपका पहले से गिटहब में अकाउंट है, आई थिंक आप सबने बना रखा अकाउंट पहले से गिटहब में, सब का होगा जी ना, तो बस आईडी जी पासवर्ड डालना और ऑथराइज कर देना, तो आपका गिटहब क्या होगा, पासवर्ड मांग रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर मैं पासवर्ड डालता हूँ, तो देखो मैंने पासवर्ड जैसे ही सही डाला तो मेरा गिटहब मेरे AWS के कोड पाइपलाइन के साथ साथ इंटीग्रेट हो गया, कनेक्ट हो गया, तो गिटहब की सारी रेपोजिटरी मुझे यहाँ दिख रही, देखो जितनी रेपोजिटरी मैंने वहाँ पे बना के रखी है पहले से, तो मैंने ये रेपोजिटरी यहाँ से ले लिया, इसके अंदर ब्रांच आ गया, देखो समझ आ रही है, अब देखो कह रहा है कि उस गिटहब रेपोजिटरी में अगर कोड में कोई चेंजेस होता है तो गिटहब वेब हुक के थ्रू पाइपलाइन ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो जाए या AWS कोड पाइपलाइन के थ्रू, तो अभी मैंने गिटहब किया और नेक्स्ट करो। अब देखो कहता है कि बिल्ड प्रोवाइडर बताओ, बिल्ड प्रोवाइडर किसका यूज करना चाहते हो, तो आपको क्या कह रहा है, एट जेनकिंस दिख रहा है, जेनकिंस भी ऐड कर सकते हो, ये AWS का कोड बिल्ड, तो AWS का कोड बिल्ड यूज कर रहे हो, तो आपने कोड बिल्ड पहले से बना रखा है, तो यहां पे सारी चीजें आप बताना पड़ेगा आपको, कोड बिल्ड सर्वर कहाँ चल रहा है आपका, क्रिएट प्रोजेक्ट सारी चीजें, जेनकिंस है तो फिर वही है, जेनकिंस को इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको, प्रोवाइडर नेम, URL नेम, प्रोजेक्ट नेम, वर्जन नेम, अगर आपको ये यूज नहीं करना तो आप इसको स्किप कर सकते हो, स्किप दिस बिल्ड, तो अभी मैं बिल्ड नहीं कर रहा हूं, तो मैं बिल्ड स्टेज को स्किप कर दिया। अब देखो कह रहा है डिप्लॉयमेंट कहाँ करना है, तो डिप्लॉयमेंट के लिए देखो क्या क्या आ रहा है, AWS एप कॉन्फ़िग या क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड फॉर्मेशन का मतलब समझ रहे हो कि मुझे डिप्लॉयमेंट क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू कराना है, क्लाउड फॉर्मेशन का स्टैक मैंने पहले से बना के रखा है AWS में, क्लाउड फॉर्मेशन टर्म्स क्लियर है सबको, हाँ जी एक बार हल्का सा भी रिवाइज कर।
क्या नाम है? और बाकी बाकी लोग को क्लियर है? बाकियों को हाँ सर क्लाउड फॉर्मेशन जिसे मैं इंफ्रा सेटअप के लिए यूज करते हैं ना। देखो क्या होता है, मैं आपको बता। नरेश आपको क्लियर है क्लाउड फॉर्मेशन क्या होता है? नहीं नहीं मेरे को भी नहीं क्लियर है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, पहले क्या होता था, हम लोग AWS का इंफ्रा मैनुअल बनाते थे, ठीक है? हम लोग AWS का इंफ्रा ऑटोमेट बनाने के लिए क्लाउड फॉर्मेशन को यूज करते हैं, जैसे टेराफॉर्म होता है, ठीक है? टेराफॉर्म होता है, टेराफॉर्म क्या करता है कि हर एक क्लाउड के साथ सपोर्टेड है, बट क्लाउड फॉर्मेशन सिर्फ AWS के साथ सपोर्टेड है। तो क्लाउड फॉर्मेशन में ही हम लोग सब कुछ बता देते हैं कि ये मशीन चाहिए, ये इमेज चाहिए, सब कुछ। तो ये कह रहा है कि जो डिप्लॉयमेंट है आपको अपने प्रोडक्शंस में, वो क्लाउड फॉर्मेशन से कराना है क्या? अगर क्लाउड फॉर्मेशन से कराना है तो आप क्लाउड फॉर्मेशन सेलेक्ट करें। अगर आप कोड डिप्लॉय सर्विस के थ्रू कराना चाहते हैं तो कोड डिप्लॉय सेलेक्ट कर लें, कोड डिप्लॉय आपको अलग से बना के रखना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप ECS ले सकते हैं, S3 ले सकते हैं, ECS ब्लू एंड ग्रीन ले सकते हैं, तो नंबर ऑफ ऑप्शंस है। अगर आप इलास्टिक बीन स्टॉक लेना चाहें तो इलास्टिक बीन स्टॉक ले सकते हैं। तो मैंने बोला कि मैं काम करता हूँ इलास्टिक बीन स्टॉक के थ्रू करना चाहता हूँ, तो आपके पास इलास्टिक बीन स्टॉक होना चाहिए पहले से। तो 2 मिनट रुको, मैं एक इलास्टिक बीन स्टॉक आपको बना के देता हूँ। अभी ये माइंड मत करो इलास्टिक बीन स्टॉक क्या होता है, अभी सिर्फ डेमो देखो कि पाइपलाइन यहाँ पे चलती कैसे है, बस। बाकी सारी चीजें मैं डेडिकेट पढ़ाऊंगा एक एक करके पूरा। तो यहाँ पर आता हूँ, 2 मिनट लगेगा इलास्टिक बीन स्टॉक पे, क्योंकि यहाँ पे कॉमन प्लेटफॉर्म में सब कुछ मिल जाता है पूरा। तो मैंने यहाँ पर आया इलास्टिक बीन स्टॉक, अभी फ्यू स्टेप्स आप देख लें बस, नोटिस ना करें इलास्टिक बीन स्टॉक क्या होता है, अलग से पढ़ाऊंगा तब देखना।
ठीक है, तो ये मेरा लॉन्च हो रहा है, 5 मिनट लगेगा, तो 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, तब तक ये हमारा स्टेप चल रहा है, ठीक है? तो 5 मिनट के बाद मिलते हैं। ओके। तो 1 मिनट में ये पाइप लाइन ना डिलीट करके करता हूँ, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में आएगा नहीं, फिर आप लोग को प्रैक्टिस रिवाइजिंग में डिस्टर्ब हो जाएगा। डिलीट पाइप लाइन, ठीक है? तो क्रिएट पाइप लाइन किया था मैंने, पाइप लाइन का नाम मैंने क्या दिया, टेक्निकल क्लाउड, और यहां से मैंने नेक्स्ट किया था। अब ये रोल नेम कह रहा है, एग्जिस्टिंग उठा रहा था, तो दोबारा सोर्स प्रोवाइडर मेरा गिटहब था, मैंने गिटहब को इंटीग्रेट किया था, मैंने रेपोजिटरी ये वाली ली थी, बिल्ड प्रोवाइडर मेरे को स्किप करना था, मैंने स्किप किया था यहाँ पे, ठीक है? डिप्लॉय प्रोवाइडर, इलास्टिक बीनस्टॉक, और मैंने इलास्टिक बीनस्टॉक सेटअप तैयार कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, नाम दिया और ये, और नेक्स्ट। तो देखो मेरी पाइपलाइन बन रही है, सोर्स एंड डिप्लॉय दो स्टेज है अभी मेरे पास, तो सोर्स वाला स्टेज मेरा चल गया, अब डिप्लॉयमेंट वाला स्टेज चल रहा है। देखो मेरे दोनों स्टेज चल गए, ठीक है? कहाँ डिप्लॉयमेंट किया है, इलास्टिक बीन स्टॉक में, मेरा इलास्टिक बीन स्टॉक, मैं यहाँ क्लिक करूंगा, मुझे इलास्टिक बीन स्टॉक में लेके चला जाएगा ये डायरेक्ट। तो मैं अभी यहां से सर्च करके क्या जाता हूँ, इलास्टिक बीन स्टॉक में, और इलास्टिक बीन स्टॉक में मैं गया, ये मेरा डेटा सेंटर था, प्रोजेक्ट था, यहां पे क्लिक करता हूँ। देखो अभी मेरा कोड आया नहीं है, क्योंकि आई थिंक जो गिटहब में रेपोजिटरी है उसके अंदर कोड परफेक्ट नहीं है, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, गिटहब को लॉगिन करता हूँ पहले अपने, देखता हूँ उस रेपोजिटरी में है क्या। तो कौन सी रेपोजिटरी थी मेरी, ये थी। तो इसके अंदर ना एक डॉकर फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, जो मैं
हटाता हूँ इसको। अपलोड फाइल करता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे पास कोई है क्या। पढ़ी बना के तो रखी थी मैंने पहले से, छोटी सी फाइल। क्रिएट कर लेता हूँ। अच्छा ये मैंने अपलोड कर दी, ठीक है। अच्छा कर दी मैंने, तो यहां चलता हूं मैं। और ये आई थिंक मेरा दोबारा चलना चाहिए क्योंकि नया चेंजेस हुआ है इसके अंदर, तो देखो चलेगा अभी अपने आप। देखो चल गया ऊपर वाला, देखो चला, अब ये नीचे चल रहा है। मैंने कुछ किया, अपने आप चला ये, क्योंकि वहां पे वेबहुक में सेलेक्ट कर रखा था मैंने। देखो हो गया, अब मैं यहां जाता हूं। जो मेरा एरर आया था कहाँ चला गया, ये था देखते ना। हाँ क्या आ गया, समझ आया कुछ? हाँ जी सर, हेलो। यस तो मैं यहाँ चलता हूँ और ये मैंने यहाँ से उठाया, ठीक है। यहाँ गया, क्लोन किया मैंने, वो रेपोजिटरी मेरे पास आ गई, ठीक है।
मैच के अंदर गया वो फाइल, देखो मेरे पास यहाँ पे आ गई फाइल यहाँ पे। अरे यार यहाँ पे क्यों ना गेट बैस में करता हूँ। देखो ये फाइल मैंने वहां से यहाँ दिख रही है, ये फाइल दिख रही है मुझे। मैंने यहाँ गया, यहाँ मैंने चेंजेस किया, गेट बैस पूरी लिनक्स की तरह काम करता है ये। वेलकम टू संजय दैया। इसको मैं सेव किया, ठीक है। सेव करने के बाद मैंने क्या किया, ये सब आपको पता होगा पहले से। मैंने कमांड मारा गिट कॉन्फिग हाइफन एपन ग्लोबल, यूजर कि कौन से यूजर ने इसे चेंज किया, उसकी ईमेल आईडी क्या है, क्योंकि ये पुश करेगा ना गिटहब में। और नेम दिया, ठीक है। फिर इसने क्या किया, गिट कमिट, कमिट नंबर वर्जन दे दिया, कमिट वर्जन नंबर 1 कौन सी फाइल है, कमिट किया। कमिट करके अब क्या करेगा, गिट पुश तो क्या हुआ, गिटहब सर्वर में पुश हुआ। जैसे ही पुश हुआ जॉब देखो चलेगी, चल गई जॉब, देखो चल रही जॉब, ये देखो जॉब चल रही है। अब डिप्लॉयमेंट में गया है, यहाँ देखो समझ आया सर कुछ। सर yes, अब एक चीज और देख, ये पाइपलाइन में ना मैं स्टेजेस ऐड कर सकता हूँ, पता आपने जेनकिंस में देखा होगा। हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्टेज ऐड कर देते हैं, करते हैं ना। जैसे ये सोर्स स्टेज है, ये डिप्लॉय स्टेज है, मान लो ये मेरा डिप्लॉयमेंट स्टेज जो है ये प्री प्रोडक्शन है, तो मैं यहां पर ऐड स्टेज करूं और यहां पर मैंने बोलूं कि एक मेरा प्रोडक्शन स्टेज है, ठीक है। और यहां एडिट पे जाऊं, आप बताओ प्रोडक्शन स्टेज का नाम क्या रखना चाहते हो और एक्शन प्रोवाइड क्या करना है। देखो
अगला स्टेज क्या ऐड कर रहे हो आप? अगला स्टेज का डिप्लॉयमेंट आपका कहाँ है? क्लाउड फॉर्मेशन में है, कहाँ पे है? मैंने बोला कि अगला स्टेज जो मेरा प्रोडक्शन है वो भी मेरा बीन स्टॉक में है, क्या ठीक है? नाम बता दो तो मैं एक और इलास्टिक बीन स्टॉक सेटअप कर रहा हूँ। तो पहले वाला जो मेरा इलास्टिक बीन स्टॉक सेटअप था उसको समझ लो प्री प्रोडक्शन डेटा सेंटर है, और अब जो कर रहा हूँ वो प्रोडक्शन डेटा सेंटर है। और दो स्टेज ऐड करके दिखाता हूँ मैं फिर। तो क्रिएट इन्वायरमेंट किया, यहां पे मैंने नाम दिया प्रॉड ENV, नेक्स्ट, डाउट है पूछो यार। क्या नाम है? संजीत बोल रहा हूँ। जी पूछे पूछे। अच्छा, इसमें डेटाबेस कंपलसरी है क्या हमें लेना? अगर मेरे एप्लीकेशन में डेटाबेस नहीं है तो नहीं नहीं मैं, नहीं है कंपलसरी, नहीं है कंपलसरी। और इससे चार्जेस का कुछ फर्क पड़ता है क्या? चार्जेस लगेगा। लगता है ना। ओके, और किसी को सवाल पूछना है पूछो, जब तक तो वो क्रिएट हो रहा है, कोई भी डाउट हो टेक्निकल मेरा नॉन एक सवाल टेक्निकल। था। AWS DevOps को लर्न करने के लिए ओपन सोर्स DevOps के टूल्स का मतलब कितना नॉलेज रहना जरूरी है? कितना नॉलेज जरूरी है? लगभग पता होना ही चाहिए सर।
प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है, थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट्स पता है, जैसे जेनेटिक्स चलेगा, क्या पढ़ करता है, सकते हो फिजिकल क्या शिवा, करता है। पढ़ सकते हो, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ में सब कुछ बराबर आएगा। बट क्या होता है जब हम लोग इंटरव्यू में जाते हैं, तो मैंने बताया ना कि वो ये नहीं देखते कि बंदा ओपन सोर्स डेवॉप्स आता है। वो कहते हैं अच्छा डेवॉप्स आता है, उसके कहने का मतलब है यार फिर तो आप तो हर प्लेटफॉर्म पे काम कर लोगे। उनके माइंडसेट ऐसा होता है पता। तो एक एक बार सब जगह हाथ पैर मार लो चारों साइड, ओपन सोर्स डेवॉप्स को भी देख लो, एजो डेवॉप्स को भी देख लो, AWS डेवॉप्स की सर्विस भी देख लो, गूगल क्लाउड सब कुछ देख लो। मतलब तभी आपको पूरा पिक्चर समझ में आएगा कि मार्केट में चल क्या रहा है और कंपनी को क्या चाहिए, किस टाइप के बंदे चाहिए। फिर ये सब देखने के बाद आपको अगर इंटरव्यूअर कोई ऐसी चीज पूछ भी लेता है ना जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं, आप ना उसको बातों बातों में निकाल लोगे। एटलीस्ट आइडियाज तो होना चाहिए आपके पास ओवरव्यू का भी। हेलो, जी हाय तो सर, क्या नाम है, मेरे को एक सॉरी नाम क्या? संदीप, जी संदीप बोले। मेरे को एक क्वेश्चन था। हमें अगर प्रैक्टिस करना है AWS की आपकी सेशन के लिए, तो पर्सनल अकाउंट से प्रैक्टिस कर सकते या कर कुछ सकते हैं, अप्रिकॉर्ड। कर सकते, कर सकते। सर सर मुझे कुछ पूछना, सर ऋषभ पांडे नाम है जी रिजर्व, सर, मुझे पूछना सर, मेरे पास सर जैसे क्रेडिट कार्ड नहीं सर, तो मैं कैसे सर AWS अकाउंट मतलब बना सकता डेबिट हूँ। कार्ड से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर डेबिट कार्ड मतलब जैसे मेरा जो है वो रूपी वाला जो, तो उसमें बन सकता है। नहीं रुपए में तो नहीं बन सकता, लेकिन अब एक बार अपने ना कस्टमर केयर बैंक में बात कर लो, उनको बता दो कि मैं एक इंटरनेशनल पढ़ाई कर रहा हूँ जिसमें वो अकाउंट की जरूरत पड़ती है, वहाँ पे कार्ड मांगता है, तो उन्होंने रुपए कार्ड तो दे रखा बट आपका ये रुपए कार्ड उसमें सपोर्ट नहीं कर रहा, तो जो भी जैसा वो बता देंगे इनेबल कर देंगे वहाँ पे। ओके और किसी का सवाल है क्या? जब तक सर ये स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक यूनिवर्सिटी, तो इसके बारे क्या में क्या थोड़ा बता दीजिए। जब तक क्या इलेक्ट्रिक यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। मैंने अच्छा आपको बोला कि इलास्टिक बीनस्टॉक मैं सेपरेट पढ़ाऊंगा, इस क्लास में सिर्फ अच्छा आपको, ठीक है सिर्फ इस क्लास में आपका एक माइंड प्रिपेयर कर रहा हूं कि देखो क्या चीजें कैसी चल रही हैं। ठीक हर है चीज ठीक को सेपरेट पढ़ाऊंगा मैं, है ठीक है ठीक ना, कोड डिप्लॉय को मतलब सेपरेट पढ़ाऊंगा, कोड कमिट को, कोड बिट को, सबको सेपरेट पढ़ाऊंगा, इलास्टिक बीनस्टॉक को सेपरेट पढ़ाऊंगा। ये ओवरव्यू है। ठीक ओवरव्यू क्या होता है ना कि हम कोई भी कोर्स करने जा रहे हैं तो एक क्लास के बाद आपका एक माइंड सेट होना चाहिए कि यार आगे हम लोग ये सीख लेंगे, है ना, ठीक ये मेरा मेन फोकस रहता है कि आपको एक फ्यूचर दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस कर लूं और फ्यूचर नहीं पता चल रहा है। ठीक समय संदीप बात कर रहा हूँ, फिर जी से संदीप बोले। एक क्वेश्चन नहीं। पर्सनल अकाउंट के सिवा और कोई और चारा हो सकता है क्या, या पर्सनल अकाउंट में मैंने पर्सनल एक्चुअली अकाउंट के जब एक जा रहा है, क्लाउड गुरु में जाएं, उनसे अकाउंट ले लें, वो आपको एक IAM अकाउंट बना के दे देंगे और हर हर महीना आपसे 30,000 रुपये चार्ज करेंगे, और वो यूजलेस है। अपना अकाउंट बना लें ज्यादा बेस्ट है। होता क्या है देखो, आप AWS में अकाउंट बनाते हो, आपसे AWS आपको 3 महीने तक आपसे कोई पैसा नहीं लेता, बिल आपके अकाउंट में आता रहेगा, आपका पैसा डिटेक्ट नहीं करेगा। 3 महीने तक अगर आप उनका बिल पे नहीं करते तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं, मतलब तो सस्पेंड कर देते हैं, तो आप दूसरा बना लेना, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। सर हर्षल जी जी हर्ष क्वेश्चन है,
जैसे अपन AWS DevOps पढ़ रहे हैं ना, तो इसके लिए AWS की कौन सी सर्विसेज ज्यादा पता होनी जरूरी है, AWS की जैसे आपको GCSS। EC2 जी सर्विस हो गई, स्टोरेज हो गई, हाँ। हम्म, लोड बैलेंसर हो गया, बीपीसी। VPC हो गया, डेटाबेस हो गया, ओके S3 बकेट हो गया, IAM हो गया, ओके, क्लाउड ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड। फॉर्मेशन पता होना, हालांकि मैंने ये चीजें मैंने भी बताने हैं आपको, बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो। AWS DevOps के लिए ओके जितना AWS क्लाउड की रिक्वायरमेंट है वो मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। सर, जी सर, मैं पूछ रहा हूँ, जैसे मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया तो मैं सिर्फ जी अपना वो ईमेल आईडी बदल के कर ईमेल पाऊँ, आईडी बदल लो, कार्ड कार्ड सेम रहेगा? ओके सेम रखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर, मेरा सर इस वक्त ना जी बोले। क्या कि AWS का जो फ्री ट्रायल अकाउंट है वो 7 50 आवर्स का होता है, मतलब एक मंथ के अंदर। तो उसमें क्या है कि मतलब एक EC2 या फिर दो फ्री टायर EC2 या 3 अगर हम यूज करें और बाकी टाइम बंद रहे, तो मतलब 750 घंटे पूरे ना हो एक महीने में, और हम 3 4 यूज करें तो भी बिल बन जाता है क्या? हाँ बन जाता है, क्योंकि क्या होता है कि हमें टोटल 750 आवर्स मिलता है, ठीक है, हमें टोटल 750 आवर्स मिलता है, ठीक है। हाँ। अब वो 750 आवर्स देखो कैसा होता है कि अगर मैंने एक मशीन ऑन किया, उसको मैं 24 घंटा ऑन करता हूँ तो 24 घंटा मैंने कंज्यूम कर लिया। अगर वो मशीन मैंने पूरे महीना ऑन किया तो 744 घंटे मैंने कंज्यूम कर लिया। अब मान लो अगर मैंने दो मशीन ऑन किया और मैं चार मशीन ऑन किया, तो चार मशीन अगर मैं 1 घंटा चलाता हूँ तो 4 घंटे मेरे कंज्यूम हो गए, जी ठीक है। तो अगर आपने चार मशीन ऑन करके 24 घंटा छोड़ दिया तो आप मल्टीप्लाई कर ले, 96 आवर्स आपने कंज्यूम कर लिया एक दिन में। और अगर 7 दिन आपके चार मशीन चल गए तो लगभग 700 घंटे तो आपने ऐसे ही कंज्यूम कर लिया। मतलब ये है लेकिन ना, कि मतलब अगर हम मैनेज करें उस हिसाब से कि कोई क्रिटिकल है, 1 घंटे का नहीं चार होगा सर, मशीन की नहीं होगा। रिक्वायरमेंट है। आप अगर ये सोचे मैं पैसे बचा के करूंगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये कोड बिल्ड, कोड कमिटी सब पेड सर्विस है सर। नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मान लो कोई मैं क्लस्टर कुबरनेटीज की बना रहा हूँ पेड फ्री नहीं तो मिलेगा सर, वो सब पेड है, नहीं, पेड है वैसा वैसा क्लस्टर नहीं। मैंने कुबरनिटीज मान का। लीजिए दो दो EC2 मशीनें ली या 3 ली, जिसमें एक मास्टर दो वर्कर मैंने बनाया सर तो नॉर्मली टी टू डॉट सर्विस माइक्रो में तो मास्टर बनेगा ही नहीं, फिर क्या करोगे। में। उसमें ऑप्शन आता है कि इग्नोर कर देते हैं हम CPU और मेमोरी को ना, -n इग्नोर इज इक्वल टू कर देते हैं CPU और मेमोरी, तो वो क्रिएट कर देता है। कर तो देता लेकिन उतने में काम कहाँ चलता है सर। देखो हाँ मतलब ये है कि थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड होता है। आप, मैं स्पेसिफिकली बताऊं, मतलब मैं ये समझना चाह रहा था बस, जस्ट सिंपल, कि अगर मान लीजिए मैंने 3 EC2 फ्री टायर के लिए, और मैं उसको जो है विद इन लिमिट अगर मैं यूज कर रहा हूँ एक साथ कोई तीन बिल या नहीं आएगा, चार, फिर तो कोई बिल नहीं आएगा, चार्ज बनेगा नहीं ना? कोई बिल नहीं आएगा। लेकिन क्या होता है मैं जी आपको बता देता हूँ, आपको एक EC2 आपने क्रिएट किया, उसके साथ आपने स्टोरेज ले लिया 30 GB, ठीक है, हाँ तो कह रहे टोटल 30 GB स्टोरेज फ्री है। उसके बाद दूसरा इंस्टेंस के लिए जो 30 GB लोग उस स्टोरेज का पैसा ले लेगा आपसे, वो इंस्टेंस का तो नहीं लेगा। उसी तरह से लिनक्स का भी है, तो 10 GB का बाय डिफॉल्ट देता है, तो 3 लिए तो हमने 3 3 GB हो गए तो उसका चार्ज लगा देगा वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, मतलब वही मैं कंफ्यूज रहता था थोड़ा सा कि कैसे चल रहा है क्या है। तो ठीक है सर, थैंक जी यू। विष्णु, देखो जैसे AWS में हम ये सर्विस यूज करेंगे अपना अकाउंट बना के, कोड कमिट, कोड बिल्ड, कोड डिप्लॉय वगैरह, तो सर इनकी क्या बिलिंग आएगी या फिर 3 महीने के लिए फ्री रहेंगे सर ये? नहीं, फ्री कुछ नहीं रहेंगे, बिलिंग आएगी, पेमेंट मत देना उनको, ठीक है। किसी अच्छा भी चीज का बिलिंग देखना तो आप यहाँ पे आके AWS कैलकुलेटर गूगल पे आओ, AWS कैलकुलेटर करो, यहाँ पर सर्च करो, ठीक है। मतलब अभी अभी के लिए हमारे बेस्ट ऑप्शन यही जो आपने बताया कि 3 महीने तक तो फ्री रहे, मतलब कि वो सस्पेंड नहीं करेंगे तब तक हमारा सर ये कवर अप हो जाएगी, तो हम यूज कर सकते बिल्कुल, हैं, राइट? तो यहाँ आओ, जी जिस भी सर्विस का आपको देखना बिलिंग, आप यहाँ देख लो कोड बिल्ड। तो मेरे को कोड बिल्ड की बिलिंग निकालनी है, यहाँ आया तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। ये नंबर ऑफ बिल्ड आपको एक महीने में कितने करने हैं,
ठीक है, मुझे नंबर ऑफ बिल्ड एक महीने में 10 करने हैं, एवरेज बिल्ड ड्यूरेशन कितना होगा, 10 मिनट का चलेगा, तो प्लेटफॉर्म क्या लेना है और बिल्ड सर्वर के पीछे मशीन क्या लेनी है, किस कॉन्फ़िगरेशन की लेनी है। मैंने ये ले लिया तो कह रहा है ओवरऑल मंथली जो कॉस्ट बनेगा वो $65 बनेगा इस कॉन्फ़िगरेशन का, बिल्ड सर्वर का, देख रहे हो। तो मतलब तो ऐसे हर चीज का आप कॉस्ट निकाल सकते हो यहाँ पे आके। सर्वर कितना छोटा करते हैं लग जाएगा थोड़ा, ये लेते हैं, तो देखो इतना कम कॉस्ट है। हाँ बहुत ही कम है, तो $1 भी नहीं है, बट बहुत छोटा कॉन्फ़िगरेशन होगा, समझ तो इसमें गए। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का भी कुछ बताएंगे हाँ जी, हाँ जी, म्यूट कर ले अपने एंड से, म्यूट क्या? कर ले लास्ट सब। क्वेश्चन है। हाँ, हाँ ये वाले कोर्स में आप क्लाउड फॉर्मेशन क्लाउड वॉच कवर करने वाले हो सर? क्लाउड वॉच कवर नहीं है, जो मैंने आपको कंटेंट भेजा वो चीजें कवर होंगी, देख लेना कंटेंट में क्या है। ठीक ओके okay. है, और सर जो आपने एक AWS की वीडियोस बनाए 200 lectures के हाँ अराउंड, हाँ उसमें क्लाउड फॉर्मेशन और क्लाउड वॉश ये कवर किया था क्या? ओके उसमें कवर है। तो वो सेशन की एक्सेस मिल सकते हैं क्या AWS वाले की, कौन से सेशन की, जो 200 सेशन उसको आपको अलग से बाय करना पड़ेगा, वो कितना पड़ जाएगा सर? वो 10,000 के अराउंड है। तो तुमने तो ये मेरा इन्वायरमेंट देखो रेडी हो गया है, ठीक है, तो ये मेरा प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है। अब मैं वापस अपने बिल्ड में जाता हूँ और मैं बिल्ड स्टेज ऐड कर रहा हूँ अभी। एडिट, एड स्टेज में मैंने क्लिक किया, मैंने बोला प्रॉड, प्रॉड एक्शन प्रोवाइडर AWS बीनस्टॉक ही है, आर्टिफैक्ट यस, एप्लीकेशन नेम प्रॉड, इन्वायरमेंट नेम प्रॉड, एंड डन में क्लिक किया। तो मैंने एक और स्टेज यहां पर क्या किया, ऐड कर दिया। तो मेरा पहला स्टेज क्या करेगा, चलेगा सोर्स, दूसरा स्टेज मेरे चलेगा डिप्लॉयमेंट प्री प्रोडक्शन में, और तीसरा स्टेज मेरा चलेगा प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गिटहब पे आता हूँ, यहीं पे आता हूँ, और वापस इसके अंदर एक लाइन और ऐड कर देता हूँ, TCK इंडिया। ठीक है, और कमिट नंबर 2 और पुश, तो पुश कर दिया मैंने। तो अब देखो यहां पे जॉब चलेगी मेरी, देखना पहले ये चल रहा, देखो चल गया ये, इसके बाद इधर जाएगा, इसके बाद इधर आएगा, देख किसी भी एक जगह अगर फेल हो जाता है तो नेक्स्ट पास नहीं नहीं जाएगा, होगा क्या? नहीं जाएगा। ओके ओके तो याद होगा आप लोगों ने, अगर किसी ने जेनकिंस में काम किया तो वहां पे भी हम लोग स्टेजेस ऐड करते थे, याद है। नंबर नाम क्या हो? डिसेबल ट्रांजिशन ट्रांजिशन क्या है?
मतलब ये स्टेज को मुझे डिसेबल करना है, मतलब मेरी पाइपलाइन परफेक्ट रहे बट ये स्टेज को मैं डिसेबल करना चाहता हूँ, तो अच्छा स्टेज चलेगा नहीं, उसको आपने डिसेबल कर दिया है, जैसे किसी स्टेज को स्किप कराना है आपको। समझा। हेलो, हाँ जी, किधर से? मैं कॉल बैक करता हूँ, अभी थोड़ा सा बिजी हूँ। ठीक है। देखो, चल गया प्लॉट, तीनों स्टेज चल गए, तो मैं चेक कराता हूँ। ये मेरा स्टेजिंग, ये मेरा प्रोडक्शन। यहाँ पे क्लिक करो, देखो यहाँ भी वो चीज़ आ गई होगी, आ गई। प्री प्रोडक्शन में होगा वो, तो ऑलरेडी होगा, तभी तो प्रोडक्शन में गया। देखो, अब एक चीज और आते हैं हम लोग, देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना बात को। आपके पास तीन स्टेज है, स्टेज नंबर वन सोर्स कोड, स्टेज नंबर टू प्री प्रोडक्शन, स्टेज नंबर थर्ड में आप ऐड कर दो कोड रिव्यू। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पे? हाँ जी सर, कंफर्म करो मेरी बात। स्टेज नंबर थर्ड में ऐड कर दो कोड रिव्यू, और ये बोलो जब तक कोड रिव्यू ना हो ना, तब तक प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट ना हो। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि हाँ डिप्लॉयमेंट तो देखो हो जाएगा, मान लो डेवलपर ने कोड में उल्टा सीधा सिंटेक्स डाल दिया है, या जिस तरीके से चाहिए तो वो चीज नहीं थी, प्री प्रोडक्शन में चला गया और वही प्रोडक्शन में चला गया, प्रोडक्शन में चला गया क्लाइंट को दिख गया, कुछ गलत मैसेज दिख गया, तो हम चाहते हैं कि प्री प्रोडक्शन में चला जाए और हमारा सीनियर पर्सन उसको रिव्यू करे कोड को, कि भाई क्या डिप्लॉयमेंट है, कैसा है, रिव्यू करके हमारा सीनियर पर्सन अप्रूव्ड करे तो प्रोडक्शन में जाए। तो हम यहां पर एक कोड रिव्यू स्टेज ऐड कर सकते हैं। तो एडिट, इसके नीचे मुझे एक ऐड करना है, ऐड स्टेज। एक मिनट रुकना, अभी मैं यहां पर मैनुअल रिव्यू ऐड कर रहा हूं, मतलब कोई टूल का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं रिव्यू करने के लिए, कोड रिव्यू मैनुअल।
और मैनुअल अप्रूवल का ऑप्शन भी है इसके अंदर, एक्शन प्रोवाइड, देखो मैनुअल अप्रूवल, मैनुअल अप्रूवल में मैं चाहता हूं कि उसको ईमेल चला जाए, ईमेल के थ्रू रिव्यू हो, तो मुझे एक एसएनएस टॉपिक यहां पे पहले बनाना पड़ेगा, तो मैं डुप्लीकेट सेशन लेता हूं यहां पर, और यहां पर गया एसएनएस, नेक्स्ट, स्टैंडर्ड, मैंने बोला कोड रिव्यू एसएनएस, ग्रेट, ये मेरा एसएनएस बन गया। इसके अंदर सब्सक्रिप्शन, एसएनएस में क्या ईमेल, मैं अपनी ईमेल ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, संजय डॉट दहिया 332@gmail.com, और क्रिएट, ठीक है, मेरे को ईमेल आया होगा वेरिफिकेशन कंफर्मेशन के लिए, नहीं तो ऐसे तो मैं किसी की भी ईमेल डाल दे, आईडी डाल सकता हूँ, अगर कंफर्म कंफर्मेशन ईमेल ना आए तो कंफर्मेशन ईमेल आया, जो बंदा कंफर्म करेगा तो ही ऐड हो पाएगा, तो मेरे को आया होगा, देख लेता हूँ। ये देखो आया, यहाँ गया मैं, कंफर्म, कंफर्म हो गया। अब मैं कोड पाइपलाइन में आता हूँ, अभी एसएनएस नहीं दिखाई दे रहा होगा, वापस करना पड़ेगा। मैनुअल अप्रूवल, ये रहा एसएनएस, ठीक है। अब कह रहा है कि यूआरएल रिव्यू, मतलब जिसको ईमेल जाएगा वो कौन सा यूआरएल क्लिक करके रिव्यू करेगा कोड को, तो मैंने बोला स्टेजिंग एनवायरनमेंट का यूआरएल, तो स्टेजिंग एनवायरनमेंट का यूआरएल को क्लिक करके और रिव्यू करेगा, तो ये यूआरएल यहां से मैंने कॉपी किया और यहां जाके मैंने पेस्ट कर दिया। क्वेश्चन था, संदीप बोल रहा हूँ, हाँ बोलो। वो जो यूआरएल है उसको हम लोग कस्टम डोमेन रख सकते हैं, ठीक बिल्कुल रख सकते हैं, वो डोमेन जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, ठीक है। मैंने कमेंट में रिव्यू दे दिया एंड डन में क्लिक किया, तो देखो मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पे डन में मैंने क्लिक किया और यहाँ डन क्लिक कर मैं सेव कर दिया, तो मेरे पास 4 स्टेज हो गए। कितने हो गए? ऐसे नंबर ऑफ स्टेज आप ऐड करते जाओ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपनी में, स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 3 में क्या है, कोड रिव्यू मैनुअल, और स्टेज नंबर 4 में प्रोडक्शन है। तो अब मैं डेवलपर हूँ और मैं यहाँ पे गया, अब डेवलपर ने कोड में चेंजेस करेगा और यहां पर बोला, एक लाइन और ऐड कर दिया टेक्निकल। अब ये तो सिंपल सा है, मैं अभी बड़े बड़े कोड चला के दिखाऊंगा आपको, पता है गिटहब से उठाऊंगा पूरा प्रोजेक्ट और फिर चला के दिखाऊंगा, तब और मजा आएगा। कमिट नंबर 3, और मैंने पुश किया, जैसे ही पुट किया मैं यहाँ आऊंगा, अब यहाँ नोटिस करो, देखो पहले ये चलेगा, देखना, देखो चलना स्टार्ट हुआ, ये देखो जैसे ही मैनुअल अप्रूवल में आएगा रुक जाएगा जब तक अप्रूव नहीं करेगा बॉस,
स्टेज नंबर टू स्टेज नंबर थ्री गया। देखो क्या बोल रहा है, पेंडिंग। क्या बोल रहा है? पेंडिंग, आगे जाने वाला नहीं है सर। मैं ईमेल में जाके चेक करूंगा तो मेरे को ईमेल आया। देखो मेरे को क्या आया, क्या बोल रहा है? अप्रूवल नीडेड AWS कोड पाइपलाइन। मैं यहां जाऊंगा, कह रहा है कंटेंट रिव्यू, कह रहा रिव्यू करना है तो यहां पे क्लिक करो। तो मैं रिव्यू क्लिक करके रिव्यू देख लूंगा कि अच्छा स्टेजिंग में ये डिप्लॉयमेंट है, मुझे ठीक लगता है तो यहाँ पे मैं अप्रूव और रिजेक्ट करने के लिए इस लिंक में क्लिक करूंगा। तो मुझे अप्रूव करना होगा तो अप्रूव कर दूंगा, रिजेक्ट करना होगा तो रिजेक्ट कर दूंगा। अप्रूव कर दूंगा तो कोड आगे चला जाएगा अपने आप, रिजेक्ट कर दूंगा तो कोड वहीं रुक जाएगा। जैसे मैं उस लिंक में क्लिक किया जो मेरे को मेल में आया था, तो उसने मुझे सीधे कोड पाइपलाइन में लेके चला गया। और कोड पाइपलाइन में लेके जाने के बाद यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, रिव्यू। मैं यहाँ पे रिव्यू में क्लिक करूंगा और अपने रिव्यू दूंगा, यहाँ पे अप्रूव या रिजेक्ट। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अप्रूव फ्रॉम माई साइट, मेरे साइट से अप्रूव्ड है। और मैंने जैसे ही अप्रूव में क्लिक किया तो अब देखो यहाँ पर जॉब चल गई। देखो अब जब अप्रूव्ड हुआ तब प्रोडक्शन पे गया, देख रहे हो, जब मैं अप्रूव करूंगा। समझ आई बात? यस सर, इंटरेस्टिंग है सर। हाँ ये तो कुछ भी नहीं है सर, अभी हम लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चलाएंगे, ठीक है, तो और मजा आएगा। पता है पूरा रियल टाइम प्रोजेक्ट जिसके अंदर डेटाबेस भी होगा, गिटहब भी होगा, उसके बाद ECR होगा, EKS होगा, सारी चीजें इन्वॉल्व करेंगे अभी। सर, मेरे साइड से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जैसा हाँ जो भी हम सर्विसेज देखेंगे ना, तो ओपन सोर्स डेवऑप्स की जो भी सर्विस है उसका एक वन लाइनर एक इंट्रोडक्शन भी देते हुए चलेंगे ना, तो क्या मैं नाम है इतना आपका? कैच कर लूंगा। मैं सही हूँ सर? थैंक जी सही है, यू बट सर। ओपन सोर्स को डिस्कस करेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन कोशिश करूंगा मैं लेकर। वन लाइनर है सर, वन लाइनर एक 2 मिनट का तो मिनिमम। यहाँ 2 लाइन में, 2 लाइन बोल रहे, मैं तो 10 मिनट बोलूंगा, कोशिश करूंगा। ओके सर। ठीक है, देखो मेरी पूरी पाइपलाइन चल गई। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि और भी लोग इस बैच में ऐड होंगे, तो ज़्यादा आगे नहीं लेके जाना चाहता मैं। अभी कोई डाउट है यहाँ पे तो आप पूछ सकते हो किसी भी टाइप का आप लोगों को। सनीत बोल रहा हूँ जी बोले। सर, वो ईमेल में अगर मैंने कंफर्मेशन पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे AWS तो लेके आता है, वहां पे रिव्यू देना पड़ता है क्या? हाँ ईमेल से नहीं हो जाएगा अप्रूवल अगर देता हूँ नहीं, तो? ईमेल से कैसे अप्रूवल होगा सर? आप क्लिक करोगे तो आपको उस नहीं, पॉइंट पे लेके जाएगा ना। तो लॉगिन करना पड़ेगा मतलब गूगल हाँ लॉगिन करना पड़ेगा। AWS। ओके, सर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? आई एम क्या सॉरी, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे? तो थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ उसको आगे, ओपन सोर्स का तो और मेरे लिए इजी हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? सही है तो सर? अभी कुछ मत देखो सर, नेक्स्ट में ओके सर। आपने ओपन सोर्स पढ़ा नहीं है क्या? नहीं सर, एक सब बेसिक नॉलेज है, मतलब कौन सा टूल क्या काम करता है, ऐसा नॉलेज कोई है। नहीं, अभी कुछ मत पढ़ो, अभी जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान में रखो बस। ठीक सर, बोल रहा जी बोले, क्या सर, जैसे ये जो आपने नाम रिकॉर्ड किया है? सर, ऋषभ बोल रहा हूँ जी ऋषभ बोले। सर, जो आपने ये रिकॉर्ड मतलब ये रिकॉर्ड हुआ है वीडियो सर, ये कहाँ पे मिलेगा और दोबारा वो कहाँ मिलेगा? आपको मंडे मिल जाएगा, आज तो संडे, मंडे ट्यूसडे तक मिल जाएगा, मैं आपको अपडेट करवा दूंगा हेल्प डेस्क से बात कर। संडे ओके सर, अगली क्लास सर कब होगी? ओके सेम टाइम पे रहेगी ना सर क्लास? हाँ जी, हाँ जी ओके जी बोले, क्या बोल रहे हैं? सर, ये पूरा कोर्स कंप्लीट के तक 3 मंथ्स में लग होगा क्या? टू एंड कितना? हाफ मंथ, टू एंड हाफ मंथ। 2.5 मंथ।
40 आवर्स का प्रोग्राम है जैसे ये तो, नहीं 40 का नहीं है, 30 आवर्स का। नेक्स्ट क्लास में आप कौन सी सर्विस स्टार्ट करेंगे? नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यही करूंगा कोड कमिट। और किसी का कोई सवाल है? अगर नहीं तो ड्रॉप कर सकते हैं, है तो पूछ सकते हो। एज ऑफ नाउ नॉट सर, नो सर, और कोई? नो नो सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक ओके, यू, थैंक थैंक यू सो मच। यू सर, थैंक थैंक यू सर, इस क्लास में समझ समझ आ रही है ना? ठंडे ठंडे होंगे। ठीक है सर। हाँ हाँ